Yes, this is the first class based on standards on auditing. Share करिए please. Standards on auditing की book मिल चुकी होगी आपको. And अगर किसी के पास book नहीं भी है, इस class में we are not using any book for the next 30 minutes. It is much more based on concepts. And ये वाली class CA final तक आपका पीछा नहीं छोड़ता है. तो इनफैक्ट CA final वाले लोग भी इस basic universal concept of auditing वाली class को जरूर देखेंगे. पक्का रेडी? ठीक है. हैव यू एवर हर्ड द वर्ड ऑडिटिंग? ऑडिटिंग वर्ड कभी आपने सुना है लाइफ में? सर बचपन से मेरे भैया आर्टिकलशिप पे जाते थे और एग्जाम पास आ जाता था, फिर भी आर्टिकलशिप चलता रहता था और यू नो लास्ट में फिर अपने बॉस को बोलते थे कि अब मैं बीमार हूं, अब मैं नहीं जा सकता हूं बहाने. तो ये वर्ड आपने सुना तो होगा ऑडिटिंग. आर्टिकलशिप के दौरान भी आपसे ऑडिटिंग के काम में आपको यूज किया जाता है. ऑफकोर्स साइनिंग आप नहीं करते हैं एज एन आर्टिकल क्लर्क. What do you mean by the word auditing? ये जो एक word का meaning क्या sound आता है? Guess please. आज बहुत participation चाहिए. No section numbers, no ORSR, ordinary resolution. सबसे आपको आज मुक्ति दे दिया हूँ, but बहुत मजा आएगा आज आपको. What do you mean by the word auditing? Any idea? क्या sound effect आ रहा है? बोलो बालक. Auditing मतलब क्या? एक word जो मुंह पर आता हो. चलो good. Accounts और वो सब check करना, इसने बोला. अकाउंट्स, हाँ अच्छा लगा, वो सब वर्ड बहुत अच्छा है. अकाउंट्स एंड वो सब चेक करना, क्योंकि वो सब इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड. एग्जाम में लिख के मत आना वो सब, फिर आपके माइंड में वो सब भी आ सकता है. तो अकाउंट्स एंड वो सब चेक करना, क्यों ये अच्छा बोला मैंने? बिकॉज नॉर्मली लोग से बोलते हैं ओनली चेकिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, पर ऑडिटर जब अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखता है ना, ऑफकोर्स वो ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की होती है. डिड यू नो दिस? ऑडिटिंग किसका हो रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिटिंग हो रहा है. तो ऑडिटिंग का एक वर्ड जो मुंह पर आता है, जो रॉ मीनिंग है, अभी प्रॉपर डेफिनेशन मैं दिखाऊंगा. आई वांट द लेआउट. प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग बहुत देर बाद देखेंगे जो इंस्टीट्यूट और में यूज की जाती है. स्क्रीन पर स्लाइड्स आ रहे हैं. ओके, तो अभी मेरे मुंह से क्या निकल रहा है प्लीज इंटरेस्ट लो, कि ऑडिटिंग मीन्स चेकिंग एंड रिपोर्टिंग. और आज और आने वाले कई क्लासेस में जो भी ऑडिट वर्ड का मैं प्रयोग करने वाला हूं, दैट इज एक्चुअली स्टैट्यूटरी ऑडिट, कंपल्सरी. और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली ज़्यादातर कंपनी के ऑडिट से. एंड ये एक स्टैट्यूटरी ऑडिट, आप जैसे लॉ में एक टॉपिक पढ़ोगे सेक्शन 141, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस करते हैं, और सेक्शन 141 में लिखा रहता है कौन ऑडिटर नहीं बन सकेगा. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में भी लिखा हुआ है कौन, यू नो, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है अगर आप मेंबरशिप लाना चाहते हैं. बिकॉज सिर्फ सीए फाइनल पास होते ही आप ऑडिटर नहीं बन जाते, बहुत कुछ होता है. कुछ ट्रेनिंग कंप्लीट करना होता है, मेंबरशिप लेना होता है. मेंबरशिप तो मेरा भी आपको पता होगा, बट आई कैन नॉट बिकम एन ऑडिटर. क्यों सर, क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास सीओपी नहीं है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, बिकॉज आई एम अ फुल फ्लेज्ड टीचिंग इन टीचिंग प्रोफेशन. ओके सर, कई टीचर्स के पास है, अब मैं जाके कंप्लेन थोड़ी करूंगा. जो पहले के नजर में नहीं आया उनको मिल चुका है, बट हम लोग हर साल ट्राई मारते हैं. मेरे सीओपी का एप्लीकेशन जाता है एंड बोलते हैं आर यू दैट अमित बच्छावत, और या आई एम स्टिल दैट अमित बच्छावत, सीओपी रिजेक्टेड. तो एनीवेज मैं ये बोलना चाह रहा था कि ऑडिटिंग चेकिंग है, और चेक के बाद क्या है? रिपोर्टिंग. तो ये एक लाइन या दो अल्फाज नहीं है, ऑडिटिंग इज चेकिंग एंड रिपोर्टिंग. लिख के मत आना, घर आके पूछेगा और अलग रूम में ले जाके मारेगा. ये ग्रॉ मीनिंग है कि ऑडिटिंग इज चेकिंग. चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल शुरू करते हैं. आज संडे है, संडे है ना आज? सबके यहाँ संडे आज? ओके, संडे है. तुम रेस्टोरेंट गए हो कभी? कलकत्ता में एक रेस्टोरेंट है 4x1, हैव यू बीन टू 4x1? हमारे रिलेटिव इन्वॉल्व्ड हैं उसमें, एक्चुअली दे आर वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन 4x1. आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग. तो देखिए 4x1 जो है ना रेस्टोरेंट है, वहां बिल आया. आप लोग ये एक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 भाई लोग, या पीछे 7 दोस्तों या दुश्मन, पता नहीं इंटरनली क्या चलता है इन लोग आपस में. 7 लोग बैठे हैं, 7 लोग गए रेस्टोरेंट में और बहुत खाए. वहां का नॉर्थ इंडियन प्लेटर बहुत अच्छा है, तो नॉर्थ इंडियन प्लेटर भी खाए और गार्लिक ब्रेड भी आया, बहुत कुछ आया, बिल आया है. 7 लोग गए थे, बिल आया है 8500 का. 8500 का बिल आया. संडे का दिन है, सब खी ही हूं कर रहे हैं, दोस्ती यारी में शायरी सुना रहे हैं. होता ना क्लास में आने के पहले भी आप लोग एक दूसरे को मोबाइल दिखाते हैं, हंसते हैं, जोर जोर से ताली मारते हैं. तो कुछ वैसा ही माहौल था. जैसे ही बिल आया ना, हेमंत जी, बाकी फ्रेंड तो बहुत हंस रहे थे, हेमंत जी सीरियस थे थोड़े. हेमंत जी बातों बातों में क्या किए, पॉकेट से पैसा निकाले, हाँ देने लगे 8500 और 100 रुपया वेटर को टिप भी. ओके, बाद में दिलदार नहीं है, बाद में ले लेगा सबसे. शेयरिंग होता है ना, शेयरिंग. नहीं डच नहीं सुने हो क्या?
If seven boys go, it is divided between seven. If seven boys and two girls go, it is still divided between seven. Okay. Okay. तो ध्यान से मतलब दी लोग प्लीज मतलब ये यथार्थ था मतलब ये एक सच है मतलब अच्छा ही तो है इन लोग खातिर कर रहे हैं तो देखिए तो डिवाइड हो जाता है ठीक है नाउ व्हाट हैपेंस कि बिल हेमंत जी दे ही रहे थे कि अचानक प्रथम जी सबसे पहले प्रथम जी बीच में इंटरफेयर किए ए रुक बिल दे बहुत देर को गर्मी आया पैसे का हम ऑडिटिंग करेगा पहले क्या बोला प्रथम हम ऑडिटिंग करेगा इस बिल का होटल गया बिल आया पेमेंट करने जा रहा था ये 8600 बोलता हम ऑडिटिंग करेगा ये दिया गुस्से में कर ले ऑडिटिंग ये क्या कर रहा था सुनो रॉन्ग अप्रोच ये क्या कर रहा था जो अमाउंट साइड नहीं होता है 800 1200 600 ओके ये सबको ऐड कर रहा था बोला हाँ दे दे ऐड करके देख लिया ठीक है दे 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 तो और एक दोस्त सब एक से एक महारथी यहाँ पे सब लड़ाई खोर और एक दोस्त मिस्टर बुबना चिल्लाए सर्वेश था ना नाम मिस्टर सर्वेश चिल्लाए ए रुको हम ऑडिटिंग करेगा अब प्रथम गर्मा गया हमको भी आता है कैलकुलेशन क्या कर लेगा हम कर लिया चेकिंग जब पेमेंट करने दे नहीं हम ऑडिटिंग करेगा डू यू नो एक्चुअली मिस्टर प्रथम अप्रोच वाज नॉट करेक्ट वो सिर्फ क्या किया टोटलिंग कर रहा था अमाउंट कॉलम साइड का मिस्टर सर्वेश क्या है बहुत चालू चीजें आप आइटम मिला रहे हैं ये सपने कोई नहीं करता पता है होटलों रेस्टोरेंट में मतलब मैं भी नहीं करता हूँ मेरा भी गलत मतलब अप्रोच है एक बार नाना जी के संग रेस्टोरेंट गए थे व्हेन ही वाज अलाइव एंड पुराने जमाने के लोग हैं ना बहुत शक्की होते हैं और बहुत उस जमाने के वो तो टोटल भी मिला मतलब हम लोग 20 मिनट ऑडिटिंग करते थे कि असली में इस टेबल पे आया या नहीं आया है तो अब सर्वेश जी देखे क्या क्या लिखा था देखो 7 प्लेट काली दाल खाए इन लोग एक एक पूरा बहुत खाऊ टाइप के थे सभी ओके 7 प्लेट काली दाल फ्रेश लाइम 14 ग्लासेस दो ग्लास टेक गए ओके ऐसे ऐसे करके आइटम मिला रहे थे अचानक सर्वेश जी ने एक आइटम का नाम वहां पर देखा दो आइटम्स के नाम ऐसे देखे जो इन लोगों ने मंगवाया ही नहीं था अचानक दो आइटम्स के नाम ऐसे देखे जो इनके पड़ोसन के टेबल पे आया था बिकॉज सर्वेश जी का ध्यान सब जगह रहता है मतलब रेस्टोरेंट में जहां भी मतलब अच्छा टेबल दिखाई दे दे तो देखे थे कि अचानक ये ना ये देखा था कि वहां पर आया क्या नाम है टूटी फ्रूटी आइसक्रीम ऐसे जीभ भी लपक गई थी इनकी तो ये टूटी फूटी आइसक्रीम पे इनकी निगाहें थी पड़ोसन के टेबल पर बोले कि हाँ ये बाजू वाले टेबल पे आया था पता है आपको कई रेस्टोरेंट्स इतने आजकल तो फिर भी थोड़ा अच्छे ढंग से बनते हैं आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग अगर किसी का रिलेटिव का हो वो रेस्टोरेंट जस्ट एग्जाम्पल है हनी डर हवा एक रेस्टोरेंट था काकुड़गाछी में लास्ट में गया था वहाँ 2005 में मतलब द टेबल्स वेयर सो क्लोज यू कैन नॉट इमेजिन ये टेबल खत्म हो रहा है बाजू वाला टेबल मतलब इतना भी गैप नहीं यहीं पर मतलब ऐसा लगता था कि आपकी अगर रोटी आने में देरी है तो आप वहाँ पे एक बार 2 मिनट हमारा भी आ रहा है दे देंगे आपको इट वॉज सो क्लोज यू कैन नॉट टॉक स्पेशली अ कपल गोज मतलब 1+1 दो जन अगर जाएं तो बात ही नहीं कर पाएंगे पास में आंटी जी अंकल जी सुन लेंगे मतलब क्या बात हो रहा है तो उसी तरीके से ये पड़ोसन जी के टेबल पे देख लिए थे ये तो उनका आइटम है बोलिए कुछ रिप्लाई करिए एनी क्वेरी ओके तो ये तो उनका आइटम है तो ये कैसे हो गया मेरे यहाँ पर वेटर मैंने ऑडिटिंग की है दीज टू आइटम्स आर नॉट रिलेटेड टू माई टेबल ओ सर सॉरी वील जस्ट रेक्टिफाई इट समझ में आया क्या हो रहा है अब मैं कमर्शियल एस्पेक्ट में आ जाता हूँ जो अनपढ़ ऑडिटर होगा वो क्या करेगा बताइए अनपढ़ ऑडिटर सिर्फ एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेगा वैसे आजकल कोई अनपढ़ ऑडिटर ऐसा होता नहीं है अब क्या करना है आपको एज एन ऑडिटर अभी भी मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ प्लीज डोंट स्टिक टू दिस डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशन फॉर योर लाइफ टाइम अब आपको क्या करना है सपोज तुमको ऑडिटिंग का मौका मिल गया आर्टिकलशिप के दौरान मेरी एक स्टूडेंट अभी कल ही SMS की थी दैट शी हैज डन इंटरनल ऑडिट ऑफ अ क्लाइंट इंडिपेंडेंटली खुद अकेली की है इतना कॉन्फिडेंस आ गया उसको तो तुमको जब ऑडिटिंग का मौका मिलेगा तुम टोटल करने नहीं जाता है सिर्फ तुम क्या करेगा देखो एग्जाम्पल सुनो PL सुना है PL अकाउंट उसमें एक्सपेंस होता है इनकम होता है बैलेंस शीट में क्या होता है एसेट एंड लाइबिलिटीज तो तुम जब PL में चेकिंग करेगा ना तुम क्या देखेगा पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुम देखेगा कि वहां पर है ना ट्रैवलिंग एक्सपेंस है सुन रहे इंटरेस्ट मजा आ रहा है वहां एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है तो तुम ट्रैवलिंग एक्सपेंस अनपढ़ ऑडिटर का अप्रोच दिखा रहा है गलत मतलब अप्रोच ट्रैवलिंग एक्सपेंस 4,50,000 ऐ सारा बिल दो तो ट्रैवल एजेंट का दिखाओ तो इनको कहां ओके हाँ टोटल करो तो इतना इतना बिल है हाँ सर ठीक है सब चेक कर लिया जर्नल लेजर और पोस्टिंग भी सही हुआ PL में सब सही रिफ्लेक्ट हुआ है सही ऑडिटर क्या करेगा पता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस 4,50,000 कहाँ कहाँ गए थे मुंबई डायरेक्टर मुंबई ट्रैवल कर रहा है तिरुपति भी गए हैं तिरुपति का एक वहाँ तो अपने कंपनी का कोई बिजनेस नहीं मुंबई तो चलो हेड ऑफिस है
पर्सनल एक्सपेंसेस 6.52 रेवेन्यू अकाउंट, दिस इज ऑडिटिंग. एक्सपेंस किसी वो बिल तो नकली छपाने में कितना टाइम लगता है भाई, किसी के चाचा जी का प्रिंटिंग का बिल हो तो हाथों हाथ बिल आ जाएगा. तो बिल्स तो नकली, बहुत लोग जब आर्टिकलशिप में रहते हैं ना इतना फिक्टिशियस बिल्स दिखाते हैं और फायदा भी कमा लेते हैं, बट दिस इज नॉट द अप्रोच. तो तुम्हें क्या करना है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस. अच्छा मेरा एक स्टूडेंट था, ये मैं 2 साल पहले, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, मैं जब मुंबई जाता हूँ ना मेरे जो पुराने अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं मिल के आता हूँ, उन लोग खुद ही आ जाते हैं, मैं भी चला जाता हूँ मिलने. तो उबर में हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, हम बोले वाह अब तो तुमसे उबर में जाता होगा ना आराम आराम. बोला हाँ सर. तो ऐसे मुझे पूछा कुछ ऊपर का भी बनता है क्या, बोले नहीं सर. बोले क्यों, वो कंपनी वाले क्या करते हैं पता है, वो उबर में जो अपना ईमेल आईडी अटैच करके रखते हैं. आप समझ रहे हैं डीके जी, ही इज नॉट हियरिंग, ओ ही इज हियरिंग. तो देखिए सपोज हम डीके जी को भेज दिए, डीके जी अच्छे हैं, सपोज हम डीके जी को शंकुदा को भेज दिए. ओके शंकुदा को हम कहाँ भेज दिए, उबर से भेज दिए. और शंकुदा को तो पता नहीं है हम 200 रुपया दे के भेजे थे, भैया 190 रुपया आया, 190 रुपीज. पर वो पता है ना, तुम लोग तो समझते हो पढ़े लिखे हो, उबर में तो आ जाता ना आपके मैसेज में, थैंक्स फॉर राइडिंग विद सुरेश, बिल वॉज सो एंड सो. तो उसी तरह ईमेल में भी अटैच रहता है कि अब जो इंप्लॉयज लोग जो ट्रैवलिंग करते हैं ना, वो ईमेल कंपनी का एक अकाउंट से उन लोग को अटैच कर देते हैं. तो याद रखिएगा फिक्टिशियस करने के पहले सोचिएगा, बिकॉज ऑडिटर पकड़ लेगा आपको बाद में. तो ऑडिटिंग ये देखिएगा वो एक्सपेंस कंपनी से रिलेटेड है या नहीं. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, डायरेक्टर अपनी शादी, एक डायरेक्टर था 40 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही है मतलब, तो वो अपना एडवर्टीजमेंट संडे संडे अपना अच्छा अच्छा सूट बूट पहन के फोटो खिंचवाता था, आई एम रेडी, मतलब मतलब आई एम रेडी, आई एम एलिजिबल. तो ऐसे करके वो सब खर्चे आ रहे हैं कंपनी के अकाउंट में. तो पूछा ऑडिटर, व्हाट इज दिस सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दो इट इज हिज पर्सनल बट हिज एफिशिएंसी इज गेटिंग अफेक्टेड. तो आप इसको बिजनेस यूज ही मानिए ना, कि इसके लिए दुल्हन ढूंढ देंगे तो ऑफिस में भी कार्य अच्छे से करेगा और घर में भी अपना खुश है. तो ऐसे मतलब तो इस सिचुएशन में सर आप बताइए, ये मान लीजिए कंपनी का बिजनेस रिलेटेड है, कैसे मान ले, डायरेक्टर का शादी का खर्चा कंपनी का बिजनेस एक्सपेंस तुम लोग मानने रेडी भी हो गया क्या? हाँ नहीं हेमंत, नहीं, नो नो एक्साइटमेंट. तो ध्यान से सुनिए, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सपोज रेंट अग्रीमेंट, रेंटल इनकम दिखाया है 5 लाख रुपया, रेंटल इनकम दिखाया है 5 लाख, मान ले क्या 5 लाख कंपनी का है, कंपनी का कोई प्रॉपर्टी आइडल पड़ा होगा, रेंटल इनकम आता है, हम देखेगा टेनेंसी अग्रीमेंट, हम देखेगा कितना आ रहा है चेक से पेमेंट. तो वाउचिंग बोलते हैं इसको, दिस इज इन इंग्लिश कॉल्ड व्हाट, वाउचिंग. एक स्टूडेंट को पूछा पहले व्हाट इज वाउचिंग, सो वाउचिंग मींस सीइंग द वाउचर. नहीं, डॉक्यूमेंट सिर्फ देखना वाउचिंग नहीं होता है, पता लगाना वो एक्सपेंस या इनकम कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो नहीं बचा हुआ है, कोई अक्रूड इनकम तो नहीं है. तो ये सारे एस्पेक्ट्स को एक्चुअली ऑडिटिंग बोलते हैं. तो आज के बाद वो जो रफ आइडिया था ना, ऑडिटिंग मतलब है देख लो सब टोटल आ गया है ना बढ़िया से, दिस इज नॉट ऑडिटिंग. ऑडिटिंग इज समथिंग विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रोसीडर्स, और उसके पहले प्लानिंग होता है, फिर प्रोसीडर्स एंड एग्जीक्यूशन, और लास्ट में रिपोर्टिंग. और ये करता कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस. अगर मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करूं, दिस इज डन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस. रफ आइडिया मिला. चलिए एसेट एंड लाइबिलिटी से खेलते. तुम बोला हम ऑडिट करने जा रहा है लैंड एंड बिल्डिंग का, क्या ऑडिटिंग करेगा, जस्ट आइडिया दो. तुम लैंड और बिल्डिंग का, तुमको बोलेगा बिल्डिंग का ऑडिट करके आओ, मतलब बिल्डिंग को चेक करके आओ, क्या चेक करेगा, सर छू दिया था पिलर, छुआ है बिल्डिंग, हिलता भी नहीं है, धक्का देके देखा पिलर को, क्या ऑडिटिंग करेगा तुम, एनी आइडिया. टाइटल डीड्स, कि कंपनी के बैलेंस शीट में आ रहा है तो उसकी टाइटल डीड्स रजिस्ट्री, रजिस्ट्री कंपनी के नाम पर हुई है या नहीं हुई है, आई विल बी चेकिंग दैट, क्या रजिस्ट्री कंपनी के नाम पर हुआ है या नहीं हुआ है. मजा आया सुनकर. और डेप्रिसिएशन उस पर ठीक से चार्ज हो रहा है क्या, बिल्डिंग पर, लैंड पर नहीं होता है. एक लड़का तो बहुत ऐतिहासिक लाइन लिखा है, सो आई राइट इन माय ओन वर्ड्स, हमारे क्या सर, लैंड हैज बीन डेप्रिशिएटेड एज पर अप्रोप्रिएट रेट्स मेंशनड इन शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट. ऐसा बेहोश है कि उठे भी नहीं है फिर. तो लाइबिलिटी में आ जाओ, सर लोन दिखा दिए 50 लाख का, पर आपने तो लोन लिया नहीं था सर, पड़ोसन लिमिटेड का लोन था मेरी सब्सिडियरी कंपनी का, उसका और हमारा तो एक ही है सर, हम निभाएंगे. यू कैन नॉट शो अनलेस यू हैव टेकन द लोन, हाउ कैन यू रिफ्लेक्ट इट. तो आप समझ रहे हैं कि व्हाट इज ऑडिटिंग. सच बता रहा, आज का शुरू का 2-3 क्लास बहुत वाइटल है, फिर चिल्लड़ है, एकदम ईजी है. तो शुरू में मोह माया रख कर एकदम अच्छे से पढ़ लो 2 क्लास कम से कम, तो एकदम सब कुछ समझ में आएगा. तो अगर कोई फ्रेंड पूछे आपको, क्या पूछेगा फ्रेंड आपको,
ए बता ऑडिटिंग क्या होता है, तो ये डेफिनेशन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो कोई भी फ्रेंड चमका देगा, आज ही कोई मिलना टैक्स क्लास से, इट इज सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म वेदर और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड विद एन ऑब्जेक्टिव टू गिव ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो ए ट्रू एंड फेयर व्यू। पूछेगा भी नहीं एग्जाम में, पर ये कोई भी बता सकता आपको, बट आपको पहले फील आ गया व्हाट इज ऑडिटिंग। सर ऑडिटिंग में बहुत कुछ होता है और रफ आइडिया बताया था हम लोग को कि रेस्टोरेंट बिल से जाकर रियल लाइफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिटिंग कैसी होती है। तो ये डेफिनेशन दिख रहा है आपको, ये हम लोग के डेफिनेशन में फिर से आएगा। थोड़ा सा बताऊं सिस्टमैटिक क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ऑडिटिंग जब होता है ना तो कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं। CA इंस्टीट्यूट नाम सुना है आपने, ICAI जो अथॉरिटी होता है वो कुछ एक वर्ड निकाला आपके लिए जो बुक के बाहर भी लिखा हुआ था, मेरी एक बुक थी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कि जब आप ऑडिट कर रहे होते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स क्या है बताइए, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कि ऐसे आप सबूत हासिल करेंगे, ऐसे इस मैटर को डील करेंगे, तुम अपना बुद्धि नहीं लगा सकते हो। सो ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कौन बनाया, ICAI में एक पूरा मोडस ऑपरेंडी है, उस मोडस ऑपरेंडी को फॉलो करके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बना है। वो मोडस ऑपरेंडी अभी डिस्कस नहीं कर, बहुत बोरिंग हो जाएगा, स्टेप वन चचाचा टू थ्री वो भी पढ़ेंगे अपने लोग, पर आइडिया मिल रहा है कि स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग फॉलो करा जाता है। और पता है आपको गुड न्यूज, इंडिया में जो स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग फॉलो किया जाता है इंटरनेशनली भी वही फॉलो किया जाता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब इंटरनेशनली जो फॉलो किया जाता है वही हम इंडियंस भी फॉलो करते हैं। अंडरस्टूड, क्यों, क्योंकि इंडिया भी एक मेंबर है IFAC बोल के, एक नाम सुना होगा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, तो इन IFAC IFAC, तो इंडिया इज ऑल्सो अ फाउंडर मेंबर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द बिगेस्ट अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। तो उन लोग ने जो इंटरनेशनली बनाया है वही यहां पर भी है। पता है आई पुट अ वीडियो ऑन यूट्यूब ऑन ऑडिटिंग, मेरे पास पाकिस्तान से क्वेरी आ गया, आई डिड नॉट रिप्लाई, मैं डर गया, मन में बहम आने लगा। एंड तुमको भी लग रहा होगा पाकिस्तान का स्टूडेंट आपका देखा है, उसको कोई टाइम नहीं है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपका देखा है, तुमको भी लग रहा होगा सर चमकार है, बताओ क्यों देखा मेरा और उसको क्यों काम आ गया मेरा भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सेम है, पाकिस्तान में भी CA की पढ़ाई होती है, और आप यूट्यूब में सुनेंगे ना, मतलब लेक्चर्स ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बाय टीचर्स इन पाकिस्तान, उनका भी आपको मिल जाएगा। अब प्लीज जा जाके उन लोग का मत देखना, हम लोग का अच्छा है, अंडरस्टूड, उन लोग का भी अच्छा होगा पर हम लोग का भी बेटर है। तो पाकिस्तान के टीचर्स भी स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग का यूट्यूब में अपलोड करते हैं, क्योंकि और उनका और अपना बहुत सेम मिलेगा, नंबर्स थोड़े से अलग हो सकते हैं, हम लोग का जैसे घर का नंबर अलग है, ओके जस्ट स्टार्टेड, ओके, और वहां का नंबर अलग है, नहीं नहीं अभी शुरू हुआ है, सही तो बोल रहे हैं। तो स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग पाकिस्तान में भी जो फॉलो हो रहा है और हमारे यहाँ भी जो फॉलो हो रहा है ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो क्यों इंडियन कंपनीज इंडिया में ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज हम लोग ग्लोबल प्रेजेंस चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा आजकल ग्लोबल कंपनीज है, मतलब हमारी कंपनी वहां भी है, वहां की कंपनी यहां भी है, अगर एक ही प्रैक्टिस फॉलो करेंगे तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, चाहे आयरलैंड में हो या जापान में हो या कोरिया में हो, उनको कितना कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं नहीं यहां का ऑडिटेड स्टेटमेंट्स भी अच्छा है, क्योंकि दे आर ऑल्सो फॉलोइंग व्हाट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, बिकॉज इंडिया इज अ मेंबर ऑफ IFAC इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, तो एक यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी के लिए एक ही तरीका फॉलो किया जा रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन, तो ये डेफिनेशन जो है बाद में मैं स्लाइड सर्कुलेट करूंगा और वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, दिख ही रहा होगा आपको ज्ञान। सिस्टमैटिक क्यों बोलते हैं, रीजन अपने आपको समझा पाए, बिकॉज वी आर फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, अब तुम लोगों को ये नहीं पता, अनबायस्ड आदमी ऑडिटिंग करता है, सेक्शन 141 कंपनीज एक्ट का क्यों आया था, ताकि कोई भी बायस्ड आदमी ऑडिटिंग के लिए प्रवेश ना कर जाए। तो इट इज सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट, और पता है ये इंडिपेंडेंट वर्ड सुने हो प्लीज सबको जगो, मैं इंडिपेंडेंट हूं यहां पे ऑडिटिंग क्लास में मतलब क्या है, अच्छा मैं कंपनी का ऑफिसर हूं, डायरेक्टर हूं, मैं ऑडिटर नहीं बन सकता, क्यों, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। तो ये इंडिपेंडेंट वर्ड है ना 8 मार्क्स का है, so, क्या बोल रहा है, 8 अल्फाबेट्स भी नहीं लग रहे हैं, 8 अल्फाबेट्स तो ये 8 मार्क्स का है, अभी नहीं बोलूंगा, अभी से आपको बता रहा हूं, आई विल एक्सप्लेन द वर्ड इंडिपेंडेंस फॉर 7 to 8 मार्क्स, ओके। तो इट इज अ सिस्टमैटिक, व्हाई आई कॉल्ड इट सिस्टमैटिक, बिकॉज स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग मैंडेटरी होता है भाई लोग, दी लोग फॉलो करना क्या है, कंपल्सरी। सर हम नहीं फॉलो करेगा, हम अलग टाइप का सी है, इट इज अ वायलेशन, उल्लंघन,
कोड ऑफ एथिक्स बोला जाता है, ये सीए इंस्टीट्यूट का, सीए लोग का एक एथिक्स होता है कि इफ यू डोंट फॉलो स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग व्हाइल एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, उल्लंघन है सर. तो क्या होगा? सेकंड शेड्यूल टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, सीए फाइनल में 16 मार्क्स का चैप्टर है, वहां इसके बारे में पूरा कुंडली दिया हुआ है कि आप उल्लंघन माना जाएगा आप स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग का अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं. और सुनो गुड न्यूज, तुम लोग सेक्शन 147 पढ़ोगे एक दिन मेरे से कंपनीज एक्ट में, मेरे से पढ़ोगे, मेरे से पढ़ोगे. सेक्शन 147 में भी लिखा हुआ है कि आपके ऊपर फिर फाइन्स है अगर आप स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग नहीं फॉलो करते हैं. नहीं सर ऐसा लाइन नहीं है, आपका बुक में पढ़ा है. बताएं कैसे? स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग फॉलो करना कंपलसरी है, ये सेक्शन 143 है ना. एक क्लास पढ़ाऊंगा आपको एक दिन बापीदा बोलकर. Yeah, I was talking to Calcutta crowd, very energetic. So, standards on auditing compulsory होता है, ये कहाँ लिखा है follow करना? 143 के 9 या 10 number में. और 147 में लिखा हुआ है कि अगर 143 का पालन नहीं हो रहा है तो आपके लिए पेशकश है, कांटा भरा फूल, पेनल्टी. तो आप इंटरेस्टिंग आ रहा है कि इंडिपेंडेंस सिस्टमैटिक मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करना, इंडिपेंडेंस मतलब 8 मार्क्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इरिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म, चाहे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव हो या कंपनी हो, जो भी एक लीगल फॉर्म के अंदर बिजनेस करता है वहां ऑडिटिंग कंपलसरी है. वेदर और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, सर हम एक सेक्शन 8 कंपनी है, सुनियो कभी नाम सेक्शन 8 कंपनी, पढ़ोगे लॉ में. विद द ऑब्जेक्टिव, और ऑडिटिंग किस उद्देश्य से किया जाता है, मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट पढ़ा रहा हूं जो लेट आया है. ओके, क्योंकि कॉस्ट ऑडिटिंग कुछ अलग है, टैक्स ऑडिट आप धीरे धीरे पढ़ेंगे. और एक वर्ड आएगा आपके लाइफ में, सेक्रेटेरियल ऑडिट, वो सीएस लोग करते हैं. तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, टू गिव ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये लैंग्वेज दिख रहा है रेड या ऑरेंज जो भी इंक आप समझें, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू. कौन सा वर्ड है? मेरे कई स्टूडेंट्स ना इंटरव्यू लेते हैं केपीएमजी में और ईवाई में, यहां दो जगह हम जान पहचान है, एक डिलॉयट में भी है. उनका फेवरेट क्वेश्चन है, जब आर्टिकलशिप के बाद आप लोग इंटरव्यू या सीए फाइनल के बाद इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, या Tell me, is it true or false? The objective of auditor is to detect errors and frauds. Chup rehna, chup rehna, chup rehna. Bolo Heman ji. Isi question ke basis pe aapki naukri hai 16 lakh ki. The objective of auditor is to detect errors and frauds. Theek hai. 16 lakh nahi milega is baar, agli baar milega. Kyunki suno, the primary objective is to express opinion whether financial statements are showing true and fair view. The secondary objective is to detect errors and frauds. आपसे पूछता हूं, your objective is to get 50, true or false, out of 100. No, your objective is to get knowledge and excel. और of course, अगर knowledge और excel आएगा तो 50 भी आ ही जाएगा. Secondary objective होता है. तो primary objective है to express opinion whether financial statements are showing what? True and fair view. तो सपोज ये बाहर निकला रूम से, बुबना जी बैठे हुए थे, ए अंदर पूछ ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, हाँ ये आंसर है, पढ़ा के भेज दिया. अब सुनो, अब बुबना जी का क्वेश्चन सुनो, इनके लिए इनको 32 लाख का पैकेज ऑफर किया जा रहा है जी. लपक के बाहर आ गया, हमारा 32 है, सुनो 32 ही तोड़ गया. बुबना जी, ट्रू और फॉल्स, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड करेक्ट व्यू. ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड करेक्ट व्यू. बताओ ट्रू और फॉल्स, 32 लाख ले जाओ वरना दे जाओ. हाँ हाँ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. ये लड़का बोला ट्रू, 32 लाख भी गया, सब मेरे पास जमा होते जा रहे वापस. क्यों? इसे लीक क्वेश्चन कभी नहीं सुनना चाहिए, इन लोग अंदर मॉडिफाई कर देते हैं. अंडरस्टूड? तो क्या हुआ, ये ट्रू एंड करेक्ट व्यू, मेरा एक स्टूडेंट था मोहित शाह बोलकर, इन 2004-05 वो भी इंटरव्यू लेता था, तो ही हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ट्रू एंड करेक्ट, या नहीं नहीं गया मेरा बच गया, ट्रू एंड करेक्ट व्यू. और ये बाहर क्योंकि क्या होता है, प्री डिटरमिंड अपने प्री कंसीव नोशन से आता है, अंदर ये पूछ रहा है, अंदर ये पूछ रहा है, तो इसको क्या पूछा, ट्रू एंड करेक्ट व्यू. यस सर, दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव व्हिच यू आस्क माय फ्रेंड सर, तो पता चल जाएगा बाहर लिख भी किया ही है. तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव वो सब छोड़, ट्रू एंड करेक्ट व्यू भी फॉल्स है, क्योंकि ट्रू एंड फेयर एंड ट्रू एंड करेक्ट अलग है. कभी ऑडिट इंग्लिश टीचर से मत पढ़ लेना, they are synonymous, fair is correct, so what's the problem, your teacher has gone wo pagla gaya hai. Why? Fair and correct mein farak hai, bataunga 10 minute baad. To pehle tum log ko maza aa raha hai, mere sang involved hai sab koi audit mein ekdam aaram, no section numbers, but
अटेंशन लेवल बहुत अच्छा चाहिए टू एक्सप्रेस ओपिनियन. ट्रू एंड फेयर व्यू अलग है, ट्रू एंड करेक्ट व्यू अलग है. बल्कि टेक्स्ट में ऐसे कोई दिख जाए, ऐसे कोई दूसरा फ्रेंड, यार जल्दी बता दो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू डिटरमिन ट्रू एंड करेक्ट व्यू या इज टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स. वो बोलेगा ट्रू एंड करेक्ट व्यू, बोले ये भी रॉन्ग है तेरा. कि वर्ड क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू. सर तो एक बात बताइए, ऑडिटिंग करवाते क्यों है? टेल मी व्हाई ऑडिटिंग इज रिक्वायर्ड इन समाज. क्या फायदा है? मतलब व्हाट इज द, चलो लीगल कंप्लायंस छोड़ दो कि लॉ बोलता है ऑडिटिंग कराना ही होगा, क्योंकि शायद आप जानते हैं ना कंपनी के केस में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आरओसी को जमा देना पड़ता है विद इन 30 डेज ऑफ AGM. नहीं जानते थे? बहुत स्वीट हो, तो ध्यान से सुनना. AGM एनुअल जनरल मीटिंग के कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर आपको क्या जमा देना पड़ता है? हाँ, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एक कंपनी हंसता है, हम करवाएगा ही नहीं ऑडिट, हम तो ऐसे ही जमा देगा. वो लेगा ही नहीं ऐसे जमा, तो मत लो, फाइन लग जाएगा ना फिर. तो तुमको जो टाइम दिया गया है विद इन हाउ मेनी डेज, इंटरेस्ट लो, एकदम बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. 30 डेज ऑफ AGM, AGM खत्म होने के 30 दिन के अंदर तुमको अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा देनी पड़ती है. तो इनडायरेक्टली अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज कंपल्सरी, क्योंकि ऑडिट ही नहीं अपॉइंट कर, ऑडिटर ही नहीं अपॉइंट करोगे तो फिर जमा कैसे दोगे? तो मजा आ रहा है ना? तो हम लोग क्या सीखे थे? एक मिनट, आई विल बी आस्किंग, क्या एक क्वेरी है आपकी? Yes, so I have answered the query. Now come. So whether financial statements are showing true and fair view. ये हो गया. उसके बाद बात हो रही थी audited statements को जमा देने की बात. Compulsory है, समझ में आ गया? और ऐसे गंदे easy questions आते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे. The company did not appoint the auditor. Now what to do? और answer आप लिखते हैं. Now deposit unaudited file unaudited statements. नहीं जमा लेगा ROC. MCA portal आपका accept ही नहीं करेगा if it is unaudited. So you have to appoint auditor. ओके तो पता है ऑडिटर जब आता है, प्लीज सुनो, जब वो ज्वाइन करता है आपकी कंपनी को, सबसे पहले अगर आप स्क्रीन्स देख रहे हो, मैं स्क्रीन सब वेबसाइट में डलवा दूंगा, जब वो ज्वाइन करता है वो क्या समझता है? कंपनी का बुक कीपिंग सिस्टम. ऑडिटर क्या समझ रहा है? बुक कीपिंग. आई होप यू नो व्हाट इज बुक कीपिंग. दिखाता हूँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द कंपनी. अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हु इज मेकिंग अकाउंट्स ऑफ द कंपनी? अकाउंट्स कौन बना रहा है? मैनेजमेंट. अकाउंट्स तो डायरेक्टर्स बनवाते हैं ना, ऑडिटर नहीं बनाता है. अब तुम लिख के मत आना, बट माई ऑडिटर अंकल इज मेकिंग अकाउंट्स. ही फर्स्ट इनफैक्ट मेक्स बैलेंस शीट, देन ही पासेस जर्नल एंट्रीज. तो अपने घर की कहानी अपनी जुबानी वहां पर लिख के मत आइएगा. तो ऑडिटर बुक कीपिंग सिस्टम को स्टडी करेगा कि कंपनी में क्या सिस्टम है. अच्छा, ट्रांजेक्शन होता है, अच्छा एंटर हो रहा है फिर लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस बन रहा है. ओके, जैसे मेरा कोई ऑडिट करने आएगा पहले समझेगा ना मेरा बिजनेस भी क्या है. कोचिंग सेंटर है, अच्छा. साल में पहले तो आप लोग 2 बार फीस कलेक्ट करते थे, क्रैश कोर्स होता था, आजकल हर दिन फीस होता है. मेरे को हर दिन फीस मिलता है सर. कैसे? पेन ड्राइव से ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं ना, अचानक 6 ऑर्डर्स आ गए, कोई कश्मीर, जम्मू कश्मीर, कोई बैंगलोर. तो मेरा एडमिशन हर दिन होता है, एवरी डे आई गेट फीस. ओके, तो नॉलेज ऑफ द बिजनेस ऑफ द क्लाइंट. ओके, इस तरह मत देखिए मुझे. तो नॉलेज ऑफ द बिजनेस ऑफ द क्लाइंट आपको समझना होगा, किस इंडस्ट्री को वो बिलोंग करता है. ये नॉलेज ऑफ द बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तुम लोग तो बस एक चीज रट के आते हैं, ऑडिटर बैलेंस शीट पीएल देखेगा. असली ऑडिटर, सपोज एक तुम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में घुस रहे हो, तो आयरन स्टील इंडस्ट्री का तुमको नॉलेज होना चाहिए. अभी इंडस्ट्री का हालत क्या है सर? अभी बहुत सारी स्टील इंडस्ट्रीज देश में IBC कोड में चली गई है. आपने नाम सुना है इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड? सुनोगे फाइनेंस में अगर तो IBC कोड में बहुत सारी स्टील कंपनीज की हालत खराब है अभी मार्केट में. तो आप जब देखोगे इतना रिसेशन चल रहा है और तुम्हारा क्लाइंट भी एक स्टील कंपनी है और वो दिखा रहा है जो उसका 10 साल में कभी नहीं हुआ, 4 टाइम्स रेवेन्यू बढ़ गए, तो मन में का बहम आ सकता है ना. लेट मी आस्क, हाउ इज दिस हैपनिंग? हो सकता है रीजन दे, बाकी सब डूब रहे हैं, मैं उग रहा हूं, तो अलग बात है, यू आर कन्विंस्ड. बट नॉलेज ऑफ द बिजनेस बहुत जरूरी चीज होता है कि आपको पता चल रहा है सब जगह मंदी और आपके क्लाइंट की चांदी चांदी. जरूर कहीं फिक्टिशियस कुछ कर रहा होगा, ओवर स्टेटमेंट कर रहा होगा. तो आप समझ में आ रहे हैं, नॉलेज ऑफ द बिजनेस पाना बहुत जरूरी है. और कौन सा लॉ आपकी कंपनी को अप्लाई करता है? तो एक लड़का बोलता है कंपनी है तो कंपनी एक्ट तो अप्लाई करेगा. बुद्धू, बैंकिंग कंपनी हो तो तुम्हें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, RBI एक्ट, RBI गाइडलाइंस, सिक्योरिटाइजेशन एक्ट, बहुत सारे एक्ट होते हैं सर. तो उससे क्या होता है, पढ़ोगे अकाउंट्स में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, सुना है कभी नाम? प्रोविजन फॉर NPAs, डाउटफुल एसेट्स, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड एसेट्स. तो आप अगर बैंकिंग कंपनी के ऑडिटर हैं
और आपको बैंकिंग लॉस के बारे में नहीं पता, तो आप क्या ऑडिटिंग करोगे? क्या आपके क्लाइंट ने आरबीआई और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अनुसार सब कुछ क्रियाक्रम या अकाउंट्स का डिस्क्लोजर किया है या नहीं किया? तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप लॉ में खराब है ना, तो मतलब यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड इन ऑडिट, अपने आप ही स्वाहा हो जाता है, बिकॉज ऑडिटर मस्ट अंडरस्टैंड द लॉज एप्लीकेबल टू कंपनी. इनफैक्ट मैं तो कैलकटा में हमेशा कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शंस पहले पढ़ाता हूँ ऑडिट क्लास कराने के पहले, 141, 139, 143, ताकि लॉ जानते होगे तब ना ऑडिट में पता चलेगा मेरे को ये करना है वो करना है. तो विदाउट नोइंग लॉ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड ऑडिट. तो ऑडिटिंग के लिए एक्चुअली दो सब्जेक्ट बहुत जरूरी है, बताओ कौन सा? लॉ भी, अकाउंट्स भी. इनफैक्ट ऑडिटिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स. कैसे बताओ? ऑडिटिंग में स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज भी काम आती है. हाँ, और कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स काम आते हैं ऑडिटिंग में. सैम्पलिंग, सैम्पलिंग मतलब जानते हो, कंपनी में 4,25,000 इन्वॉइस हैं, ऑडिटर 4,25,000 इन्वॉइस की चेकिंग नहीं करेगा. वो सपोज कुछ सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं, 20,000, 30,000 जो उनका टेक्निक होता है, सीखोगे SA530 है सैम्पलिंग का, उसके अनुसार सैंपल ड्रॉ करके वो एक ओपिनियन निकालता है. पूरी ऑडिटिंग सैंपलिंग पर होती है, जानकारी के लिए सुनिए भाई और बहनों, पूरा पॉपुलेशन स्टडी नहीं होता कभी भी. सर लेडी है वो, तुम क्रेजी है, पॉसिबल नहीं है, तुझे परचेज का बिल है, सेल्स का बिल है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, इतने सारे. ये इंटरनेशनली ऑडिटिंग इज बेस्ड ऑन सैंपलिंग. और यही कारण है भाई और बहनों कि कई बार हम तो सैंपल टेस्ट करके ओपिनियन दे देते हैं, पर जो टेस्ट नहीं हुआ होता है ना, उसमें बड़ा कांड खराबा होता है कि बाद में पता चलता है कि जो ओपिनियन हम दिए थे वो उतना सही. तो ये इनहेरेंट है, नो वन कैन अवॉइड इट. इस चीज को कोई अवॉइड नहीं कर सकता. इनहेरेंट मतलब जानते हो क्या? ये अंदर में प्रॉब्लम है, इसको तुम अवॉइड कर ही नहीं सकता है. कोई अगर मंद बुद्धि है, चाहे टीचर कितना ही पढ़ा देगा, वो थोड़ा इंप्रूव कर सकता है, पूरा हाथों हाथ काया पलट नहीं होने वाला है. ये इनहेरेंट प्रॉब्लम है. तो इनहेरेंट एग्जाम्पल इनहेरेंट का और हो सकता है, सपोज बुरा मत मानना, सपोज मेरे को शुगर है, सपोज नहीं है मेरे को कुछ नहीं है शुगर वुगर, सिर्फ पेन वाला प्रॉब्लम है. तो मेरे को सपोज शुगर है, तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम होता है. आपने सुना होगा कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कि आपको अगर तुमको अगर शुगर है, समझ रहे हो, तो तुम्हारा जो बाबू होगा मतलब बेटा, उसको भी शुगर होने के चांसेस आफ्टर 45-50. तो दिस इज जेनेटिक, इनहेरेंट है, इसको कोई हटा नहीं सकता है. पर सपोज मेरे को डेंगू हो गया है, एक बार अपने लाइफ टाइम में कभी हुआ होगा सपोज एट द एज ऑफ 35, तो जब मेरा बेटा 35 होगा उसको भी डेंगू अपने आप आ जाएगा क्या? ये बाहर का मच्छर उड़ते उड़ते आता है वो. तो डेंगू इज नॉट इनहेरेंट रिस्क, बट वॉट इज इनहेरेंट? शुगर वॉज एन इनहेरेंट प्रॉब्लम, और देर आर सम जेनेटिक डिजीजेस. अंडरस्टूड हेमंत, तुम ठीक है ना? अब उसमें बीमार था, ठीक है. तो दैट इज द डिफरेंस. तो ऑडिटर क्या कर रहा है आप समझ पा रहे हैं? आपके कंपनी के सिस्टम को समझा. अच्छा, वॉट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम? क्या आप, क्या कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट है, कंप्यूटर से सब कुछ रिकॉर्ड होता है, या आप लोग वही बही खाता गुजराती रोकड़ समझ में आ रहा है, वो शाही से डुबा डुबा के लिखते हैं लिखते हैं? तो इट डिपेंड्स, वो सब किस कंपनी के सिस्टम को समझेगा, कंपनी के नॉलेज ऑफ द बिजनेस को समझेगा, लॉज एप्लीकेबल को समझेगा. पक्का एवरीवन? तो अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, देखिए. तो मैं रिपीट भी करूंगा वापस आपको, ये देखिए, ऑडिटिंग मैंने बोला ना, बुक कीपिंग को समझेगा. लुक, यही होता है ना नॉर्मली, हमको पीपीटी चाहिए, हमको पीपीटी चाहिए, डाल देंगे वेबसाइट में, ले लीजिएगा, तुम लोग को कलकत्ता वालों को ग्रुप में दे देंगे आज ही. यही होता है ना बुक कीपिंग, टेल मी, ऐसे ही ऑपरेट हो रहा है देखिए बुक कीपिंग. अब इसको याद करने के बाद बनना, ट्रांजेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट से जर्नल, पता ही था डॉक्यूमेंट से सीधा पीएल में तो जाएगा नहीं. अब इसको लिखवाने में भी मैं 18 मिनट वेस्ट नहीं करूंगा कि लंबा ऑडिट का क्लास ले लूँ 2.5 घंटे का, खुद सो जाओगे. सर डिटेल में बेवकूफ़ बना है. आई एम अ स्मार्ट टीचर, आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड अननेसेसरी टाइम. जो चीज़ दिख ही रहा है इसको स्केल से ड्रॉ करूँ, बोर्ड पर लिखूँ, फिर साफी से पहुँचूँ, आई डोंट यू नो रिलाई ऑन सच टेक्निक्स. लुक हियर, आज हमने बहुत सारे 16 लाख और 32 लाख के लिए खेला था. अब मैं खेलूंगा 64 लाख, और जिसकी आंखें बड़ी हो रही है वो है प्रथम. 64 लाख का इनके क्वेश्चन है, और जाएगा नौकरी हाथ से. सुनो, ने क्या पता मिल भी जाए नौकरी, छोकरी दोनों मतलब आइए, वो तो मिल चुकी होगी. आइए, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, डरो मत, नेचुरल है. क्वेश्चन सुनो, देख लिया, सुनना. हाँ, यहाँ कुछ नहीं, वो खोज रही है, प्रथम ही है जो आंसर ढूंढ रहा है. ट्रू फॉल्स, ठीक है. ऑडिटर ओपिनियन देता है प्रथम, सबको इंटरेस्ट आ रहा है, वो फर्स्ट है, जो कोई दूसरा फर्स्ट है सब मजा आता है, बेटा गया बेटा गया. तो ऑडिटर ओपिनियन देता है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू. सुना सबको, ऑडिटर क्या दे रहा है? ओपिनियन दे रहा है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू.
टेल मी वन थिंग, इतिहास साक्षी है, ऑडिट हो जाता है और ऑडिट होने के बाद बाद में एक दिन अखबार में आता है कि उस कंपनी का तो ऑडिट भी हुआ हुआ था और फिर भी वहां फ्रॉड हो गया, स्कैंडल हो गया। सत्यम है ना, सत्य है, सत्य है, सत्यम है। ओके तो और भी बहुत सा आईएलएफएस का भी देखने के लास्ट में ये निकलेगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि ऐसा क्यों, ओपिनियन भी दे दिए और फिर भी गलती कर रहे हैं। नो, इज ऑडिटिंग नॉट अ गारंटी? बोलो 64 लाख्स, ये एक पार्ट है, इसमें 64 एक बार में नहीं मिलेगा। इज ऑडिट, ऑडिटर जो तुम्हारा ओपिनियन दिया, गारंटी दिया या नहीं दिया है? गारंटी नहीं दिया है तो क्या देता है वो? नहीं, तुम इधर देखो, ऑडिटर द ओपिनियन इज नॉट अ गारंटी, लैंग्वेज देख रहे हो, ऑडिटिंग इज, ओपिनियन इज नॉट अ गारंटी, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस, ओपिनियन इज ओनली अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। ये एक ऐतिहासिक लाइन है, हर आंसर में घुसेगा, इनफैक्ट इंटरव्यू में पूछा जाता है, या मिस्टर मल्होत्रा, द ऑडिट वाज डन एंड स्टिल लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट देयर इज अ फ्रॉड, डोंट यू फील दैट ऑडिटर हैज गिवन अ गारंटी? तुमसे पूछेगा, डोंट यू फील दैट ऑडिटर हैज गिवन अ गारंटी? यस सर, द ऑडिटर हैज गिवन गारंटी, इट इज हिज ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन, खड़े और हो गए, इट इज हिज ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन, हाउ कैन ही डू दिस? आपको खड़े खड़े बाहर कर देगा, दरवान आके ना बैठने भी नहीं देगा, दो दरवान आएंगे ऐसे गोदी करके ले जाएंगे, हल्के भी हैं अब तक तो। यूजुअली ऑडिटिंग, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है आर्टिकलशिप के, जब मेरे ट्यूशन ले रहे थे ना, सिंगल हड्डी थे, एंड आर्टिकलशिप के बाद अचानक 2 साल बाद जब फाइनल का ट्यूशन लेने आते हैं ना, एकदम बोला क्या हुआ सर, खातिर हुआ है जवाई की तरह, डोमिनोज का पिज्जा मंगवाता है उसी के ऊपर बर्गर भी, और फिर थोड़ी देर बाद थम्सअप, और फिर 10 मिनट बाद बोलता है कॉफी चलेगा, मतलब हर चीज में, मतलब हाँ देखिएगा धीरे, मोस्ट दिस भाई लोग दे गेन सो मच आफ्टर, मतलब प्रथम टाइप के लड़के, मतलब इससे पतला पतला था, सौरभ था मेरा स्टूडेंट पीडब्ल्यूसी में काम कर रहा था, एकदम सिंगल हड्डी, मतलब ऐसा एडमिशन लेके भी अच्छा लगता था कि बैठो, जगह भी ऑक्यूपाई नहीं करता था, बट लेटर ऑन, मतलब नाउ आज के दिन होगा, मतलब आई थिंक 82 वो 62 ही, मतलब 2 साल में 20 kg, नेक्स्ट 2 साल में सोचिए, और मतलब जो पहले से गोलू मोलू ठीक है, बट पतले थे, मतलब उनको देख के बाद चल जाता खाया क्लाइंट क्या जाके। तो एनी वेज, रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा है, कैन यू टेल मी वॉट इज द डिफरेंस? हाँ ये है 64 लाख्स का, ये सोचा वो बता भी दिया, 64 लाख भी दे रहे हैं, दूर में फर्क क्या है? व्हाट हैपेंड, दोनों में फर्क क्या है? रीजनेबल अश्योरेंस एंड एब्सोल्यूट अश्योरेंस में व्हाट इज द फर्क? अच्छा टेल मी, इज एब्सोल्यूट अश्योरेंस, बोलो बुबना जी क्या बोलना चाहते हो, पढ़ लिया है क्या, बोलो। हाँ नहीं, वो ही जानना, ये है क्या रीजनेबल अश्योरेंस? अच्छा अश्योरेंस मतलब विश्वास, हम आपको विश्वास देते हैं, सब सही है, पर एक वर्ड लगा दिया, रीजनेबल विश्वास है। जैसे एक पता है 2010 की बात है, एक जन की मम्मी एडमिशन कराने आई थी बच्चे का, उस समय मैं भी छोटा था, तो मतलब यू नो मेरे को पुछकाने लगे, तू पढ़ाएगा बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाना, जेनुअनली दाड़ी और इसलिए रख लिया ताकि आप एकदम समझ जाए हम बुजुर्ग है, तो एकदम जेनुअनली पढ़ाया, थपथपा के गई, प्यार करके गई ऐसे आंटी, बोले हाँ अच्छे से पढ़ाए, फिर भागे, हमने कोई देख लेगा तो सोचेगा कि क्या हो रहा है सर के साथ। तो वहाँ पे फिर मेरे को नेक्स्ट लाइन और पूछती जाते आते, भैया बेटा गारंटी है ना पास हो जाएगा? बोले नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं है, टीचर्स डोंट गिव गारंटी दैट यू विल क्लियर आफ्टर ज्वाइनिंग। सब एक टीचर देता है वो तो चिल्ला चिल्ला के देता है, वो सब चमकाने का बात है, गारंटी कोई नहीं दे रहा है, हम सबको पढ़ाते हैं, सबका तो रैंक नहीं आता, स्टूडेंट के खुद के बेसिस पर आता है, बट आई गिव अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट इफ यू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, इफ यू वॉच माई रिविजन वीडियोज इंस्टेड ऑफ स्टडिंग फ्रॉम ओपन बुक्स एंड उल्टा उल्टा फुल्टा, यू विल श्योरली एक्सेल। तो अब बताओ एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्या है, रीजनेबल अश्योरेंस क्या है? अच्छा बताओ कौन सा हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है, एब्सोल्यूट हाई है या रीजनेबल लो है? एब्सोल्यूट हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है, रीजनेबल लो लेवल है या हाई लेवल है? आंख बंद कर लेते, कह लो आंखों से आंसर ढूंढते, देखो इनका पुतली अभी ऐसे घूमो गुस्सा आंख का, बोलो दोनों हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है, कोई लो लेवल पर रिलाई करेगा क्या? जैसे शोले में याद है अमिताभ बच्चन भिड़का के आ गया था मौसी को, मौसी बाकी सब ठीक है लड़के में, बस थोड़ा सा ड्रिंक करता है, ऐसे कुछ डायलॉग्स थे, मौसी बाकी सब ठीक है घर लेट से आता है, इसकी बात कोई रिलाई करेगा? हमारे यहाँ ये गड़बड़ है, हमारे यहाँ वो गड़बड़, सुनिए हमारा वो भी गड़बड़ है, और सुनिए ना हमारा डिप्रिसिएशन तो ओवरचार्ज है, और सुनिए लोन तो लिए नहीं पर दिखाएं, और सुनिए एसेट इतना का है ही नहीं, और सुनिए ना, बोला और सुनना क्या है? तो ऐसा अश्योरेंस तो नहीं हो सकता ना, रीजनेबल अश्योरेंस क्या होता है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। अच्छा सब तुम्हारे बुक्स में भी, हम बुक में भी अंडरलाइन करवाएगा, अभी हम बुक यूज नहीं कर रहे, बुक आते पागल हो जाते अंडरलाइन करने में आप लोग। अभी आप लोग एक सेमिनार अटेंड कर रहे हैं आज, रीजनेबल इज, वेट वेट, रीजनेबल इज हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, 70-90% एश्योरेंस होता है, और एब्सोल्यूट में 100% है, ये भी हाई लेवल है। आप समझ में आया, रीजनेबल भी हाई है, वो 100% एश्योरेंस ही आया है। कब आया ऐसा क्वेश्चन? मई 2017, आज से कई साल पहले, 3-4 साल पहले, तो इट वॉज आस्ट इन एग्जाम। रीजनेबल भी हाई लेवल है, वो भी हाई लेवल है, वरना लो लेवल पे कौन रिलाई करेगा, पर लिख लेना। अच्छा तुम्हारे बुक्स में भी कहीं है, दिखेगा, पर याद हो रहा है, पर रीजनेबल में 70-90% एश्योरेंस रहता है कि जो है सही है, और 100 में तो 100 पुख्ता सबूत, हमारे यहाँ कुछ गलती हो ही नहीं सकती, इट्स अ गारंटी। तो अपना ऑडिटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, अब मेरे को आंसर वापस दो, मेरे संग संग बोलो, एक बार, हम लोग एक ही बार बुलाते हैं। तो हमारे यहां प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सप्रेस रीजनेबल अश्योरेंस, और सब्सटीट्यूट कर दिया बेटर वर्ड को, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड करेक्ट फेयर व्यू, और रीजनेबल अश्योरेंस भी हाई लेवल है। फ्रेंड को समझाना, तुमको तुम आज आज मजा ले सकता है टैक्स, पता ना एब्सोल्यूट हाई है, रीजनेबल लो है, दोनों से हाई और लो कौन सा है? पक्का बोलेगा रीजनेबल लो है, बोलेगा तेरा बुद्धि लो, दोनों हाई लेवल है, लो लेवल पे कोई रिलाई क्यों करेगा? पर वो 70-90% अश्योरेंस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, दिस इज ऑपरेटिंग ऑन 100% अश्योरेंस लेवल। नो वेट वेट वेट, ये ऑडिटिंग का मैं एक डायलॉग मुंह से निकला था, फिर कुछ फोन आ गया था उधर, कोई का क्वेरी था, तो मैं ये पूछ रहा था कि रीजनेबल लेवल पर लोग ये ऑडिटिंग क्यों करवाना चाहते हैं, मतलब वाई समाज को क्यों पसंद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ये ऑडिटिंग कंपनी करवाती है किसके लिए? शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, वर्कर्स, गवर्नमेंट बॉडीज, कोई फाइनेंसर्स होंगे ना मार्केट में, तो हमेशा क्या बोलते हैं, आपका ऑडिटेड स्टेटमेंट्स दिखाइए, तो क्या हालत है, फिर हम सोचेंगे फाइनेंस देना है नहीं देना है। क्रेडिटर्स तो बहुत देखते रहते हैं, हालत खस्ता कचौड़ी, जहाँ खस्ता तो कोनी, मैं मारो पैसों पहले निकाल ले सूँ। डिड यू अंडरस्टैंड? मारवाड़ी कम आता है, बंगाली बोले, हम अपना टाका पहले टुल टुल लेगा, मतलब ले लेगा, तो इसलिए, तो इट्स फॉर क्रेडिटर्स, इट्स फॉर शेयर होल्डर्स, इट्स फॉर वर्कर्स, बैंक, फाइनेंसर्स, यहाँ तक कि कंपनी के अमेलगमेशन, सुना अपने अकाउंट्स में, जब दो कंपनियों का अमेलगमेशन होता है तो बहुत एक्सचेंज रेशियो और वो सब निकाला जाता है, तो उस समय भी हम लोग बोलते हैं लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख दीजिए, सो दैट वी कैन सी द सिनेरियो। तो ये बहुत कुछ यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, तो रीजनेबल अश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, 70-90% लेवल ऑफ अश्योरेंस पे काम कर रहा है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस इज 100% अश्योरेंस। अब मन में ख्याल आ रहा होगा हुआ क्यों, 100 क्यों नहीं हुआ, अब बोली लगाओ, मेरे मुंह से एक एग्जांपल निकला था, वेरी गुड, वन ऑफ द रीजन व्हाई वी कैन नॉट अराइव, और जितना यहां याद कर लोगे ना, ऑडिटिंग सच बता रहा है, रिजल्ट ऑडिटिंग में बहुत खराब होता है, अंदर का बात सुन लो, लॉ में सबका अच्छा आ जाता है, और ऑडिटिंग में नॉर्मल बाजार का स्कोर बता दें आपको, झूठ नहीं बोलेंगे बुक छूकर, चाहे मेरा स्टूडेंट हो, मेरा कभी आता है इधर उधर जहां भी पढ़ा, सबका आता है, वाई कोई पढ़ता नहीं है, क्लास पे भी बोरिंग लगता है ऑडिट के क्लास, हमको कई लोग को कंपैरेटिवली बोरिंग लगता है, मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लोगों को लगता है ऑडिट बोरिंग है, लॉ इंटरेस्टिंग है, सुनने में भी आता होगा ऑडिटिंग में बहुत बोरिंग है, डिक्टेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाई? रीजन इज दैट बिकॉज लॉ में क्या सेक्शन नंबर्स रहते हैं और वो सब बहुत ईजी ईजी लगता है, ऑडिटिंग में तो ज्ञान है पर ज्ञान भी बहुत कम का है, और वो भी अगर तुम मेरे संग संग रह के, अभी हम ये 16 लाख 32 लाख क्यों खिला रहा है, क्योंकि आपके मुंह पर आया हुआ था रुपया और हाथ से चला गया, मुंह के सामने से आपको ठीक याद रह जाएगा वो पॉइंट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऑडिटिंग क्यों होता है, सब बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बहुत कॉन्फिडेंस आता है समाज को इस ऑडिट रिपोर्ट को देखकर। तो रीजनेबल अश्योरेंस पे पीएचडी हो गई, गारंटी पे पीएचडी हो गई, वन ऑफ द रीजन क्या बताओ? सैम्पलिंग। एक और रीजन बताओ, ह्यूमन जजमेंट, ऑडिटिंग कर कौन रहा है? इंसान। गलती कौन करता है? इंसान। तुमसे भी हुआ होगा, मतलब एग्जाम्पल है, तो गलती इंसान कर रहा है, ऑडिटिंग से ह्यूमन जजमेंट में गलती हो सकती है, और रीजन बताओ, अभी मत बताओ, मैं दिखाऊंगा, 3 रीजन और है। आ गया, ट्रू एंड फेयर व्यू, कैन यू गेट द वर्ड्स? ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है? नॉट डिफाइंड। सही, तो डब्बा डब्बा क्या बना हुआ है, डिफाइंड नहीं है, पर यूजली इन चीजों का अगर आप पालन कर रहे हैं तो माना जाता है दिस इज वॉट ट्रू एंड फेयर व्यू। पढ़ के देखो, ये अकाउंट्स टीचर्स ने पढ़ाया होगा, इंडेस, नहीं सुने इंडेस वर्ड ही नहीं सुना है कि अकाउंट्स है, वाह वाह वाह, IFRS को पालन करने के चक्कर में इंडिया में जो उसका एक वेरिएशन के संग थोड़ा बन रहा है, दैट इज व्हाट इंडेस, इंटरनेशनली जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस चल रही है उसके संग हार्मोनाइज करने के लिए ग्रेजुअली फेज बाय फेज इंडिया में भी अब इंडेस फेज बाय फेज कुछ कुछ कंपनीज के लिए क्या हो गया है, कंपल्सरी।
No understatement or overstatement of assets, liabilities, income, expense. Did I discuss this with you? Schedule 3, ye mat puchna kya hota hai. Bachpan se aapko ek hi to aata hai. Proper books of accounts are kept. No unrecorded liabilities. Can you, anyone tell me what is proper books of accounts? Koi batao, boli lagao. What do you mean by proper books of accounts? Double entry and accrual basis. Sir, single entry bhi to syllabus mein hai. Chup kar, main company ki baat kar raha hu. The true and fair view is not defined, but do you understand how the word true and fair view operates? Ye dabba mere books mein bhi hai, kahin dikha dunga. Aapko kharab to nahi lag raha, likhwa nahi raha hu. फिर क्या बहुत मेथोडिकल हो जाता है, आपको सब्जेक्ट से इंटरेस्ट चला जाता है. सारा चीज लिखा हुआ है. आज 5 क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के हो भी गए. कब से बताइए, एब्सोल्यूट एश्योरेंस रीजनेबल का डिफरेंस, एब्सोल्यूट और रीजनेबल में क्या फर्क है वो भी पता है. गारंटी है ऑडिटिंग, रीजनेबल एश्योरेंस है वो भी पता है. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट वो भी पता है. और ऑडिटिंग जब ऑडिटर जब ऑडिटिंग करता है, प्लीज सुनना ध्यान से, वो अकेला ही कर लेता है क्या सब कुछ? हाँ सर, वन मैन शो नहीं, वो अपने असिस्टेंट्स और असिस्टेंट्स फिर आर्टिकल क्लर्क्स के थ्रू करवाते हैं. ब्रांच ऑडिटर्स सुना है कभी मेरे मुंह से आपने? कंपनी की बहुत ब्रांचेस हैं. ऑडिटर बेचारा धोती पहनता है, भाग भाग के जाएगा हर ब्रांच में. हाँ, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बहुत. नेक्स्ट देखिए, इंटरनल ऑडिटर का हेल्प लेता है, एक्सपर्ट्स के हेल्प को लेता है ऑडिटर. कैन यू टेल मी हु इज एन एक्सपर्ट? एग्जाम्पल, कोई टैक्स प्रैक्टिशनर. सपोज कंपनी में आपने नाम सुना है डेफर्ड टैक्स, नहीं सुना होगा आपने नाम सुना है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. हैव यू हर्ड द नेम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन? वर्ड सुना है आपने कभी? तो कंपनी में था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 4 करोड़. ऑडिटर को लग रहा है 4 करोड़ ठीक नहीं है, ज्यादा भी हो सकता है. तो ऑडिटर एक टैक्स प्रैक्टिशनर को जाके पूछा, क्या ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेरा क्लाइंट का केस ये आप बताइए ना, मैं आपका व्यू लेने आया हूँ. तो प्रैक्टिशनर बोला, हाँ बात तो सही है, 4 करोड़. रुकिए, मुझे क्लैरिटी से सोचने दीजिए, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, टाइम लूंगा पर धीरे बताऊंगा. तो फिर मैं मीटिंग हुआ, मैं जल्दी जल्दी बोलिए ना थोड़ा. फिर भी टैक्स प्रैक्टिशनर बहुत धैर्य के साथ और बहुत ही ज्ञान को प्रकाशित करते हुए उस कॉन्सेप्ट को हमें दे दिया. तो दिस इज एक्सपर्ट. सर ऑडिटर को ऑडिटिंग खुद ही कर लेता है, अब टैक्स का उतना आइडिया ऑडिटर को भी नहीं होता है. अब एग्जाम्पल एक और लेते हैं, बेटर होगा. आपने नाम सुना है ग्रेच्युटी? अरे कुछ नहीं जानते हो क्या? ग्रेच्युटी बना रखा था, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी. तो इसके लिए फिर मैं एक एक्सपर्ट का आइडिया लूंगा. एक्चुअरी सुना? एक्चुअरी, अरे एक्चुअली नहीं तो तला रहे हो क्या? एक्चुअरी अलग होता है, एक्चुअली अलग होता है. एक्चुअरी बोल के कोर्स भी होता होगा, मैसेज भी आता रहता होगा, वी प्रोवाइड एक्चुअरियल साइंस का कोर्सेज एंड ज्वाइन अस, ज्वाइन वंस यू नेवर ज्वाइन अगेन. एग्जाम्पल, तो ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी के बारे में प्रोविजन आपके एक्सपर्ट से आइडिया लोगे, मेरे क्लाइंट ने इतना ग्रेच्युटी का प्रोविजनिंग किया है, क्या ये सही है? अंडरस्टूड. या बिल्डिंग की वैल्यूएशन आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर से आइडिया लोगे, क्या सही है? क्या ऑडिटर वैल्यूएशन का काम थोड़ी जानता है? जानता है थोड़ा बहुत, पर प्रॉपर जो रजिस्ट्री रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स को जितना आइडिया होगा उतना तो नहीं होगा. तो हम ये क्या समझाना चाह रहा था, ऑडिटिंग आज हम अभी आपको ब्रॉड आइडिया दिया है. सर हम ऑडिटिंग करेगा, आपसे पूछेगा पता है इंटरव्यू में इतना बेसिक क्वेश्चन, सपोज यू आर एन ऑडिटर, विल यू टेक हेल्प ऑफ एनीवन? No sir, I am an independent person. One should not rely on others. It's a one man show. I will work sir. I'll work day and night 24/7 and do the audit myself. Chup. Aapko help lena padega. Branch auditors ka, internal auditors, experts. Kai baar joint audit. Sir ye kya hota hai? Kai baar do CA log ko mila kar appoint kiya jata hai kyunki company ka scale of business bahut bada hai. Usually banking company and insurance companies mein. So this thing is also prevailing here. So this is called, you know, auditing. तो ऑडिटिंग अब देखो, अगर आज के आप फर्स्ट डेफिनेशन को वापस दिखाऊं एक बार, इट्स अ सिस्टमैटिक, क्यों बोला आपने आपको एनालाइज करवाओ. सिस्टमैटिक क्यों सर? ऐसे है, बहुत कुछ नियम कानून है. इंडिपेंडेंस सर 8 मार्क्स का है, पढ़ाया नहीं अभी तक. फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, और उस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को देखने के चक्कर में मैं ना नॉन फाइनेंशियल भी देख सकता हूं. क्वेश्चन आ गया, कैन एन ऑडिटर इंस्पेक्ट मिनट बुक्स ऑफ जनरल मीटिंग्स? आप तो नहीं, अभी तो यस बोल रहे हो, उस समय नो नो नो. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगा? अरे यार मिनट बुक क्यों देखेगा बताओ, एक आइडिया दो, एग्जांपल दो. कंपनी में डिसाइड हुआ है कि वो अपना सब कुछ बेचेगा, वो कहां लिखा रहेगा? तो गोइंग कंसर्न हिलेला, मतलब हिल गया गोइंग कंसर्न, हिलने थ्रेट टू गोइंग कंसर्न है. कैसे पता चला? मिनट बुक देखकर.
तो मिनट बुक में मीटिंग्स में लिए हुए डिसीशंस को देखा जाता है, तो कंपनी के अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है वो भी ऑडिटर देख सकता है मिनट बुक के थ्रू। तो तुम लकीर के फकीर मत बनना। डेफिनेशन में तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स था, बेसिकली फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, बट ही ऑल्सो सी असेसेस एंड ही कैन एग्जामिन नॉन स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑल्सो। ओपिनियन पे पीएचडी हुआ क्या? ओपिनियन मतलब यहाँ कौन सा वर्ड ओपिनियन के लिए एकदम उचित वर्ड? आई वॉन्ट द आंसर। रीजनेबल अश्योरेंस, रीजनेबल या एब्सोल्यूट में क्या फर्क है? दोनों हाई लेवल है, एक 70-90%। अच्छा क्यों नहीं 100%? क्यों नहीं? अनपढ़ कैसी है? एक तो क्लास मिस कर दिया था क्या? इट इज बेस्ड ऑन सैम्पलिंग, ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर सो कॉम्प्लिकेटेड, एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। पढ़ाया नहीं अभी ये सब आएगा। ट्रू एंड फेयर व्यू पे पीएचडी हुआ, प्रॉपर बुक्स, शेड्यूल 3, नो वर्स स्टेटमेंट, ये सारी बातें थी। इंडिपेंडेंस 8 मार्क्स का है, बचा हुआ। अब सर जाऊं घर? रुको, अभी तो आज लंबा टाइम है, अपने लोग आज बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, इसीलिए हम संडे के दिन रखा, एकदम फ्रेश माइंड। सर हमारा आज भी फ्रेश नहीं, अभी तुम्हारा तो छोड़ो कभी फ्रेश नहीं होगा। हैव अ लुक, स्टेप्स इन ऑडिटिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये है 1 करोड़ का क्वेश्चन। पीछे वाले भाई का नाम क्या है? वो जो उत्सव, ओके उत्सव के बाद क्लास हो रही है। और उत्सव बताओ, तुम्हारे लिए 1 करोड़ का क्वेश्चन है। मेरा एक स्टूडेंट था अभिषेक जिंदल, ही वॉज इन द सेम बैच, रंजन वाले बैच में, उस साल 4 लोग क्वेटी के ऊपर मिला था। अभिषेक जिंदल 84, रौनक पोदार 86, रोहित जैन 87, रंजन 89, 4 लोग थे, एक लड़की भी थी नाम भूल गए, तो 5 लोग क्वेटी के ऊपर मिला था और चारों थे पीडब्ल्यूसी में। तो अभिषेक जिंदल को मैंने बताया भी था शायद एक दिन, एक क्वेश्चन पूछा गया था, मिस्टर जिंदल इफ यू आर सिलेक्टेड इन आर ऑडिट टीम कैन यू टेल मी व्हाट स्टेप्स आर कैरिड आउट इन ऑडिटिंग। तो नॉर्मल स्टूडेंट क्या आंसर देगा? फटीचर वाला, सर आई विल लर्न अंडर योर गाइडेंस और प्लीज गिव मी द अपॉर्चुनिटी, आफ्टर आई ज्वाइन आई विल लर्न। पर वो कॉन्फिडेंटली क्या आंसर दिया पता है? 10 मिनट तक, हम तो सिर्फ 3 स्टेप्स दिखा रहे हैं, वो 10 मिनट वाला आंसर भी मैं दूंगा आपको 2-3 क्लास बाद। वो क्या किया पता है? जितना कोचिंग में जो इंडेक्स में टॉपिक्स दिख रहे हैं, क्या बताया था ना एक दिन, जितना कोचिंग में जो इंडेक्स के टॉपिक्स है सबको जोड़ करके इंग्लिश में जोड़ करके बता दिया। अभी वो हिंदुस्तान लेवल में, अभिषेक जिंदल इज नॉट मुंबई, हिंदुस्तान लेवल। तो इधर आइए, प्लानिंग, पहला स्टेप क्या होता है ऑडिटिंग के लाइफ का? प्लानिंग। प्लानिंग में एक मेरे मुंह से निकल ही गया था अभी थोड़ी देर पहले, सर वो बिजनेस को समझेगा, कौन से लॉज एप्लीकेबल है वहां समझेगा। सर प्लानिंग में मतलब वो ओवरऑल क्या कर रहा है? प्लान कर रहा है अभी, सिर्फ एक लाइन का नहीं है। कई लोग इसमें प्लानिंग में हेनरी फेयोल लिख के आ जाते हैं, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर एंड हेनरी फेयोल, और इस टाइप के लोग बहुत बदतमीज होते हैं। एक तो आता नहीं है, बाकी रूम में किसी को नहीं आता था, एक होता है स्कूल में बहुत फेमस होता है पेज भरने में, और लिखते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं, और फिर जब बहुत लिख रहे हैं और पूरा रूम नहीं लिख रहा ना, धीरे से जाके एक्स्ट्रा शीट लेना चाहिए, लिखते जा रहे और जानबूझ के सुना के पूरा रूम को, एक्स्ट्रा शीट सर, सब मुड़ के देखते क्या लिख रहा बेटा, और सबसे कम मार्क्स किसका आया? हेनरी फेल। हेनरी फेल हो गया, क्यों? क्योंकि प्लानिंग जो है ना, ये 2 अल्फाज सिर्फ लिखने से नहीं होगा, ये तो हम सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, इसके अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत मजेदार ज्ञान है। एग्जीक्यूशन, सर गए ऑडिट कर दिए, ऐसे 1 मिनट में ऑडिट कर देते हो जाते ही। प्रोसीडर्स, बहुत सारे प्रोसीडर्स परफॉर्म किए जाते हैं, सर कर दिए परफॉर्म, रिपोर्ट कर दिए। रिपोर्टिंग का तरीका होता है, देयर इज अ तरीका हाउ द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। एक तरीका है ना, कंपनी लॉ में सीखोगे आप, सेक्शन पढ़ाऊंगा एक दिन, 143 सबसेक्शन 3, बापी दा बोल के बहुत फेमस टॉपिक है, आपके सीनियर से सुनेंगे आप, बापी दा दिल, कैलकटा स्टूडेंट्स कई लोग लॉ में कर लिए होंगे। तो हिलो स्टोन मैन, तुम लोग बर्थडे पार्टी पक्का जीतते थे ना, आंटी जब खिलाती थी बेटा लंडन स्टैट्यू, बेटा तुम जीत गए हो, हिलते नहीं हो फिर भी, और गिफ्ट चाहिए। हैवंट यू डन दीज वर्ड्स विद मी, सेक्शन 143 क्या हुआ है तुम लोग, व्हाट हैव यू डन इन हॉलीडेज? सब पूछिए मत, बहुत कुछ किए हैं। हेमंत कहाँ था तुम? कलकत्ता ही था क्या? जहाँ भी था बुक लेके जाता, नहीं लेके गया, दिमाग लेके जाता, अब ले नहीं, वो कब का सेल कर दिए। तो देखिए 3 स्टेप्स क्या है, प्लानिंग, और एक क्या है, अब रुको, अब इसमें पीएचडी करना है, बिकॉज प्लानिंग 1-2 लाइन में नहीं सिखाया जा सकता है, या एग्जीक्यूशन 1 लाइन में नहीं सिखाया जा सकता, वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये देखो नॉलेज, अंडरस्टैंड नॉलेज ऑफ द बिजनेस इंडस्ट्री वेरियस एप्लीकेबल लॉज, ये सब कहाँ की बातें हो रही हैं अभी, प्लानिंग की बातें हो रही हैं, दिस इज अगेन व्हाट, प्लानिंग दिख रहा है, प्लानिंग की बातें ये सारी, और सुनो ये भी प्लानिंग की बातें, अब थोड़ा तो आगे ले जाते हैं। ऑडिटर आइडेंटिफाई स्कॉट, ये बहुत अच्छा वर्ड है, पता है जब आप अच्छे ईएनवाई डेलॉयट केपीएमजी में ऑडिट करोगे ना, या पीडब्ल्यूसी में,
वहाँ ना कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ये स्कॉट, ए तुम स्कॉट कर लिया क्या, तो तुम लोग नॉर्मल आदमी लोग नहीं समझ समझ पाएगा। या अचानक तुम पीडब्ल्यूसी में, अचानक कोई फ्रेंड बोलेगा हम स्पा जा रहे हैं, तुम भावुक मत रहना, पहला दिन है ऑफिस में मालिश, ये कोई तरीका है, हम कोई बहुत दरकार जरूरी है, आज स्पा जाना तो बहुत जरूरी है। स्पा इज अ सिस्टम एंड प्रोसेस अश्योरेंस डिपार्टमेंट इन पीडब्ल्यूसी। तो याद रखना ये सब कुछ वर्ड्स हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट को नहीं पता होगा। मैं पीडब्ल्यूसी में ऑडिट नहीं किया हूँ, पर मेरे लोग जो जान पहचान के ना उन लोग से मैं मिलता हूँ और मैं पूछता हूँ। आई ऑल्सो मेट रंजन मैनी टाइम, मतलब मिलता रहता हूँ। तो बता दो तो तुम लोग इसका ऑडिट में कुछ ऐसा कुछ बता जो तुम लोग करता है नॉर्मल ऑडिट में नहीं होता है। तो स्पा वॉज कॉइंड बाई हिम, मतलब नॉट कॉइंड बाई हिम, बाय द पीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट, द स्पा सिस्टम्स एंड प्रोसेस अश्योरेंस। तो स्पा डिपार्टमेंट, हाँ एक स्टूडेंट मिल गया, अच्छा मेरे को पता था, मेरे को भी ना, अगर मैं जब स्टूडेंट था आई डिड नॉट नो वॉट इज स्पा, मेरे स्टूडेंट से मैंने सीखा है वॉट इज स्पा। और मेरे को भी एक साल पहले एक दिन मुंबई में मिल गया और हम उसको पूछा क्या करा, सर स्पा डिपार्टमेंट इन पीडब्ल्यूसी। बाई चांस मेरे को नहीं पता होता ना, आई वुड हैव आस्क्ड स्पा डिपार्टमेंट सैलरी मिल जाता ठीक से। तो विच स्पा डिपार्टमेंट वॉज ही टॉकिंग अबाउट, डिड यू अंडरस्टैंड? तो जब भी, और बाई चांस तुम भी शादी में किसी को बताओ अंकल स्पा डिपार्टमेंट में हूँ, सिस्टम्स एंड प्रोसेस अश्योरेंस पूरा बता देना, वरना मारवाड़ी घरों में बात बनेगा, देख पढ़ लिख के मालिश करे। तो स्पा डिपार्टमेंट इज सिस्टम्स एंड, पता था क्या आपको स्पा डिपार्टमेंट के बारे में? आज पूछना कोई फ्रेंड को टैक्स में, स्पा स्पा गया है तुम कभी पीडब्ल्यूसी में? बोलो क्या बात कर रहे हो, नहीं स्पा जाया कर, मतलब वीकडे में तो जा कर, स्पा बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और हाथों हाथ टैक्स सर कैसे जाएगा, सर देखिए स्पा वाकर बात कर रहा है आप क्लास में, सर ही बोलेंगे बताओ स्पा क्या होता है, फिर पता चलेगा कि स्पा इज सिस्टम्स एंड। ओके प्लीज स्पा के बारे में पता करके आओ, व्हाट इज स्पा, तुम लोग स्पाई करो। तो ऑडिटर आइडेंटिफाई स्कॉट सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। अब सुनो ना, कंपनी में तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, पर कुछ ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट होते हैं। सपोज एफ एम सी जी है आप, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये तो पता था। तो आप एफ एम सी जी है, वहां पे मेन ट्रांजेक्शन क्या होंगे, सेल परचेज डेटर्स इन्वेंट्री। अब ट्रांजेक्शन तो बहुत होंगे, पर मेन स्कॉट क्या है? तो आप देखेंगे कि उस कंपनी में सेल्स के लिए क्या सिस्टम है, परचेज का क्या सिस्टम है। सर सिस्टम मतलब क्या है, खरीद लेंगे माल, माल खरीदने का भी एक तरीका होता है, दिखाऊंगा अभी आपको। ट्रांजेक्शन आर इंटर रिलेटेड, तो अब मजा आ रहा है। अभी भी देखो आपको मैंने रटवाया नहीं है, ये सारा लिखोगे ना आंसर्स में बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेगा। बुक बुरा मत मानना, बुक में भी ना ये सब इतना नहीं अच्छे से, गंदा सा लिख रहा है, प्लानिंग इज इसेंशियल इट इज वाइटल। फिर बच्चा बोलता है हमको ऑडिटिंग बोरिंग लगता है, इसमें कहाँ बोरिंग लग रहा है, सब बिजनेस को समझेंगे, बहुत सारी आर इंडस्ट्री अभी डूबत खाते में है, तो पता करेंगे क्लाइंट क्या क्या हो रहा है। सर लॉस को समझेंगे, अगर बैंकिंग कंपनी है तो बहुत जरूरी है खासकर। सर अगर टेलीकॉम कंपनी है तो भी लॉ को समझेंगे, टेलीकॉम में क्या लॉ है, ट्राई TRAI, समझ में आ रहा है आपको। सर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, क्या लॉ है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। सर स्कॉट को समझेंगे, सर बुक कीपिंग सिस्टम समझेंगे, एंड ये भी प्लानिंग का स्टेज ही है, ऑडिटर रैप करेगा। सर रैप तो हनी सिंह करता है, और बाबा साइकिल नाम सुने हो, बाबा एक पिक्चर आया था हेलीकॉप्टर, अरे कोई पिक्चर था, क्या नाम था, हाँ सब अपडेटेड हो, सिटी सेंटर हम देखे थे तुम लास्ट रो में थे। तो देखिए तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीडर्स एक बार पूछ ही लिया, सपोज क्या नाम था, अमन, अमन को पूछ लिया था टेल मी अबाउट रैप, सपोज का नहीं पढ़ा हुआ है तो पढ़ा लिखा लड़का है, टेल मी अबाउट रैप, तो उसको आता है गाना पूरा आता था, यो नो सर, शर्माने लग गया, यू हैव टू टेल मी इफ यू वांट द पैकेज ऑफ 20 लाख। सर ओके सर, पूरा खड़ा हो गया, पांच लोग पैनलिस्ट थे, पूरा गाया, वो लोग भी मजा लिए, या टेल मी मोर, पूरा गाना सुने और बोलते हैं आउट। व्हाई? बिकॉज ये वो रैप गाने नहीं बोल रहे थे। व्हाट इज रैप? रिस्क असेसमेंट प्रोसीडर्स। और ये कब कैरी होता है? तो देखो आपको पता ही नहीं चला, प्यार में और पढ़ाई में पता ही नहीं चलता, मैं आपको धीरे धीरे अंदर ले गया है प्लानिंग के, अंडरस्टूड? जैसे कहावत था ना पुराने जमाने में, बीच में 90s में बहुत वो रोमांटिक मूवीज आती थी, शाहरुख खान का एक डायलॉग था, प्यार में पता नहीं चलता प्यार कब हो जाता है, पढ़ाई में पता ही नहीं चलता पढ़ाई कब हो जाता है, फेल में जब भी होते हैं अपने पता ही नहीं चला कब फेल हो गए। एग्जाम्पल है बुरा, और कोई फेल हो गया तो उसका मतलब इंसान खराब है वो नहीं है, थोड़ा सा प्रिपरेशन में गड़बड़ था, भाग्य का अभागा था। कोई अगर मार्क्स कम भी आ जाए उस पर कोई हंसने का दरकार नहीं है, अब ज्यादा भी वो मतलब सर इसीलिए तो हम कम लाते हैं, मत हंसो मेरे ऊपर, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। चलिए तो व्हेन आई से रिस्क असेसमेंट प्रोसीडर्स, तो तुम लोग को पता चल गया है व्हाट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीडर्स। सपोज क्या नाम था, रितु, ऋतुराज, मिस्टर राज, राज नाम तो सुना होगा। तो देखिए राज के पेपर में आ गया रिस्क असेसमेंट प्रोसीडर्स, और ये स्कूल में फेमस था, क्या चीज में, कोई आंसर नहीं आता है पर ये बना लेता है, बताइए ये अच्छा लड़का है या नहीं, अच्छा है ये। सपोज ये राजा हरिश्चंद्र एक सीधा लड़का क्लास में, रिस्क असेसमेंट प्रोसीडर आता नहीं था, वहां बैठा है, आंसर 3 है,
एक लाइन भी नहीं लिख रहा है। अब इसका आंसर सुनो, और अल्टप्पा में राइट हुआ है, सुनेगा क्या? रिस्क असेसमेंट प्रोसीडर्स आर ऑडिट प्रोसीडर्स कैरिड बाय ऑडिटर। फिर सोच रहे आप क्या लिखें, हमेशा याद रखना नाम को घूरो, बार बार घूर के देखो क्या पूछता है रे। रिस्क असेसमेंट टू असेस द रिस्क, राइट हुआ अभी तक? हम आपको भी हेल्प कर रहे हैं, आप लोग बोलते ना ऑडिट कैसे याद करें, नाम को घूरो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीडर वापस, दे आर प्रोसीडर्स। प्रॉब्लम हुआ किसी को? कैरिड बाय ऑडिटर, इसमें प्रॉब्लम हुआ तो भैया हम तो अभी छोड़ दो पढ़ाई, तो फीस रिफंड फॉरफिट हो गया जा। दे आर रिस्क असेसमेंट प्रोसीडर्स आर प्रोसीडर्स कैरिड बाय ऑडिटर। आगे क्या होगा सर? भूल गया सर। आंख है क्या सर? है। टू असेस द रिस्क, अब क्या चीज की रिस्क, कि कोई बड़ी गलती तो नहीं हो गई अंदर ही अंदर, ये हम असेस करेंगे। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सर रॉ मटेरियल का गिनती, मटेरियल मतलब सिग्निफिकेंट बड़ी, मिसस्टेटमेंट सर मिस क्या बोली, मिसस्टेटमेंट कुछ गड़बड़ तो मिसस्टेटमेंट तो नहीं हो गया, तो व्हाट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीडर्स एकदम बिंदास। फिर बोले ऑडिट कैसे पड़ा, बोला हंस हंसकर, दे आर प्रोसीडर्स हाँ कैरिड बाय ऑडिटर एट प्लानिंग स्टेज, हमें ना इसको पता है क्या बोलते हैं, टू असेस करते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो शॉर्ट में लोग बोलते हैं रॉमम। सर कौन रोया? रॉमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पता लगाते हैं। ये एक लाइन है, ये अलग से 8 मार्क्स का है। आज ट्रेलर हो रहा आने वाले फोर्थकमिंग मूवीज होते हैं ना, इन दिस ईयर 2020 कौन कौन सी मूवीज रिलीज हो रही है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बड़ी गलती होने की कहां कहां चांसेस हैं, वो हम पता लगाते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीडर्स में प्लानिंग स्टेज के दौरान। प्लानिंग स्टेज के दौरान अब ये पता कैसे लगाते हैं, वो एक इंटरेस्टिंग चीज है, मजेदार चीज है, बहुत मजा आएगा। तो चलिए हम लोग प्लानिंग करते हैं, तो इसका आंसर सुना क्या था, ये लड़का बना लिया, मिस्टर राज बना लिए, दे आर प्रोसीडर्स कैरिड बाय ऑडिटर। तुम लोग मेरे संग बताओ रैप का आंसर, टू असेस द रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट, यहां तक तो बोलो, विच कैन बी ड्यू टू फ्रॉड, इट कैन बी ड्यू टू एरर। अच्छा फ्रॉड मतलब जानबूझकर, एरर मतलब हो गया भूल से, तो ये हम पता लगाते हैं, क्योंकि अगर आपके यहाँ रिस्क ज्यादा है तो एक मिनट ऑडिटर को बहुत सतर्क होना पड़ेगा। और ये रिस्क हम शुरुआत में क्यों पता लगाते हैं, लॉजिक बताओ सर, उस हिसाब से अगर रॉमम ज्यादा है सर, सैंपलिंग बढ़ाइए, ज्यादा आइटम सिलेक्ट करिए, ज्यादा क्वांटिटी में ऑडिट एविडेंस सिलेक्ट करिए, सफिशियंट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करिए, सिर्फ 10 सैंपल देखने से नहीं होगा, एग्जाम्पल है 10,000 सैंपल देखने से नहीं होगा सर, 20,000 सैंपल देखिए, सबका लिंक है और कितना लॉजिक है। सर लिखवा दीजिए ना, हम सुबह 4 बजे भोर बेला चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे, भूल जाओगे चिल्ला चिल्ला के एग्जाम हॉल में, तो इसलिए आपको बेटर क्या होगा सर, हम लोग शुरुआत में प्लानिंग, देखो एकदम गंभीर गंभीर, आज के मत पढ़ना ऑडिट, सर प्लानिंग करेगा ऑडिट का सबसे पहले, सपोज आज देखो इसलिए मैं फॉर्मल्स में आया हूँ, इसीलिए अरे जाना था एक जगह, इसलिए मैं एक जगह फॉर्मल्स में आया, क्यों, क्योंकि मैं ऑडिटर लग भी रहा हूँ आज, तो मान भी सकते हैं आप, देखिए नॉर्मली मैं आ जाता हूँ ऐसे धोती होती में, मतलब जींस वींस में, आज मैं पूरा फॉर्मल्स में आया हूँ, या आई एम एन ऑडिटर, लेट मी अंडरस्टैंड द बिजनेस, ओके थोड़ा आपके इंडस्ट्री के रिपोर्ट्स दिखाइए, ओके एक बार आपके अकाउंटेंट को बुलाइएगा तो मैं फाइनेंशियल सिस्टम समझूँ आपका, बुक कीपिंग और भी सॉफ्टवेयर्स कौन सा यूज़ करते हैं, टैली वैली और दिखाइए, ओके अच्छा आपके थोड़े से बताइएगा इंटरनल कंट्रोल कैसा है, एक नया वर्ड निकला मेरे मुँह से अभी तक हम क्या दिखाया था, नॉलेज ऑफ बिजनेस, लॉज एप्लीकेबल, नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री, इजी लग रहा है क्या? अब तुम्हारे पास हरा भरा शॉर्ट नोट है, नॉर्मली आज कोई से पूछना ऑडिट प्लानिंग पे बोल तो शॉर्ट नोट 4 मार्क्स का ऐसा सुनने मिलेगा, इट इज वाइटल, इट इज एसेंशियल, विदाउट प्लानिंग वन कैन नॉट डू स्मूथली ऑडिट, हेंस इट शुड बी डन। और आपके पास क्या है, ऑडिट प्लानिंग इज अ वेरी फर्स्ट स्टेप इन ऑडिट प्रोसीडर, first of all he will be understanding the knowledge of the business, the client, the type of industry to which we belong, the laws applicable, he will identify the SCOT, the significant class of transactions and balances, he will identify the internal controls set by the management, matlab so the auditor nahi set karta hai kya internal control, nahi auditor accounts bhi nahi banata hai, auditor internal control bhi nahi banata hai, sir karta kya hai, wo pehle to check karega aapke internal control hai ya nahi hai, example suno, मैंने बोला था कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉट सेल्स, तुम्हारे यहाँ बहुत सेल्स होता है, अचानक इस साल तो और बढ़ावा दिख रहा है, पिछले साल 4 लाख था इस साल 50 लाख, तो हम क्या चेक करेंगे पता है, इंटरनल कंट्रोल, एग्जांपल सुनो, बोलेंगे आप लोग मैनेजमेंट को पूछेंगे आप लोग के यहाँ सेल्स हो रहा है ना, तो एक बात बताइए आप लोग का मेरे को दिखाइए तो सेल का जो ऑर्डर आता है ना, सेल ऑर्डर,
क्या बोलते हैं उसको कि कोई ऑर्डर प्लेस करता है और आप फिर उसका इन्वॉइसिंग करते हैं, तो आप लोग क्या कोई सिस्टम है ना जिस रेट में ऑर्डर अप्रूव हुआ था इन्वॉइसिंग उसी रेट में हो रही है ना? मैपिंग बोलते हैं इसको, मैनेजमेंट को पूछते हैं आप लोग चेक कर लेते हैं ना जिस रेट पर, जिस रेट पे माल सप्लाई करना था उसी रेट पे सप्लाई हुआ है ना? बोलेगा हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं है। बोला हाँ समझ गया तब, ओके। तो ऐसे सिचुएशन में, ठीक है हाँ, ऐसे सिचुएशन में याद रखिएगा हम ऑडिटर है, हम पता चल गया इनका इंटरनल कंट्रोल तो उतना अच्छा नहीं है। फिर हम पूछा आप लोग के यहाँ सिस्टम है ना इंटरनल कंट्रोल का, आप लोग रिलेटेड पार्टी को तो सेल नहीं करता है ना, और रिलेटेड पार्टी को अगर सेल करता है तो कुछ कंपनी लॉ का पालन वालन करता है ना आप लोग, कोई सीक्रेट प्रॉफिट्स तो नहीं कमा रहा है ना आपका डायरेक्टर लोग, आप लोग के यहाँ सिस्टम है ना? तो ये क्या हुआ, हम उनका पॉलिसी समझ रहे हैं, उनके यहाँ सिस्टम कैसा है चोरी चमारी, सॉरी वर्ड गलत, उनके यहाँ गलत चोरी रुक सके, उन लोग क्या सिस्टम बनाया है उसको क्या बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। रॉ आइडिया, रॉ आइडिया। तो व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल सर? दे आर सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस, रॉ आइडिया, सो दैट डिजाइन बाय मैनेजमेंट, इंप्लीमेंटेड बाय मैनेजमेंट, ओके, मेंटेन्ड बाय मैनेजमेंट। शॉर्ट में बोलते हैं डिम डिम, डिजाइंड इंप्लीमेंटेड मेंटेन्ड। सो तो ऑडिटर क्या करता है, वो इवेल्युएट करता है कि इंटरनल कंट्रोल बढ़िया है या नहीं है, बट ऑडिटर डज नॉट रिपोर्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 करोड़ का, सब फंसेगा। ए ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑन इंटरनल कंट्रोल ना, या मैनेजमेंट मेक्स इट, ऑडिटर रिपोर्ट्स इट। अब ऑडिटर रिपोर्ट करता है, पहला लाइन, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे रिपोर्ट नहीं कर रहा है, वो उसको स्टडी कर रहा है, वो उसको इवेलुएट कर रहा है, उसका इंपैक्ट लेगा बट रिपोर्टिंग नहीं करेगा। अच्छा वो सजेशंस दे सकता मैनेजमेंट को, आप है ना ऐसा ऐसा कर लीजिए ना, बेटर हो जाएगा आपका इंटरनल कंट्रोल, बट ऑडिटर इज नॉट रिपोर्टिंग ऑन। 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है सीएमए में, सीएमए ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑन इंटरनल कंट्रोल, हु सेड सर आई मैं मत बोल, बिकॉज ऑडिटर स्टडी करता है। तो एक मिनट, इवेलुएट भी प्लानिंग में नहीं कर रहा है, प्लानिंग में ही इज ओनली आइडेंटिफाइंग द इंटरनल कंट्रोल प्रोसीडर्स। तो इवेल्युएट कहां करेगा, पूरा डिटेल टेस्टिंग कहां करेगा, वो एग्जीक्यूशन स्टेज में करेगा, क्योंकि भाइयों और बहनों अभी भी हम लोग कौन से स्टेज में, और प्लानिंग का पीएचडी कर रहे थे हम लोग कि हम लोग ये करते हैं, हम लोग रैप को कैरी आउट करते हैं, और रैप को कैरी आउट करने के लिए हम लोग इंटरनल कंट्रोल को स्टडी कर रहे हैं। अभी पूरा एनालाइज नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पूरा एनालिसिस कहां होगा, एग्जीक्यूशन स्टेज में, स्टडी के दौरान ही पता चल गया। यहां तो कहानी में ट्विस्ट है, इनके यहां सेल्स में मैपिंग नहीं होता है, ऑर्डर आता है कोई और रेट पर, बाहर माल निकलता है कोई और रेट पर, इनके यहां रिलेटेड पार्टी को सेल होता है, इनके यहां फिक्टिशियस सेल्स एंट्री हो जाती है। एक लड़का को वापस पूछा पढ़ाने के बाद एक बार, व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल, से इंटरनल कंट्रोल इज अ रूल, दे आर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर सेल्स, एग्जांपल था, परचेस के लिए भी हो सकता था। सर समझ गए, सेल्स एंड परचेजेस, सर अब राइट है, -500 अभी भी। अरे कंपनी के हर फंक्शन में इंटरनल कंट्रोल हो सकता है। इंटरनल कंट्रोल का एग्जांपल देता हूं, एयरपोर्ट गए हो कभी, अरे बाहर गए होगे छुट्टी में, एयरपोर्ट से तो जाते हो आप लोग, कहां से गए थे, ट्रक से चले गए थे, हाँ रेल से भी जा सकते हो। सपोज आप बाहर गए हो, ओके, आपका इंटरनेशनल फ्लाइट का या जो भी आप एयरपोर्ट में हो, इधर देखो, एयरपोर्ट में जाने के बाद पहला स्टेप क्या होता है बताओ अमन, हाँ सीधा बोर्डिंग पास लेता है, अरे हम कौन अभी रिसेंटली गया बाहर, हाँ हाँ ये देख असली आतंकवादी को पता है। तो ये प्रथम देखिए, ये पहले ना एयरपोर्ट पे से उतरा, घर के सब छोड़ने आए थे और प्रणाम वणाम कर दिया, वापस अंदर घुसा, किया जा रहा है सपोज इंडिया के बाहर पहली बार, और पहले ना वहाँ पे आपको ऐसे रोक लिया जाता है गेट पर ही, आईडी कार्ड्स चेक किए जाते हैं, और कलकत्ता एयरपोर्ट की चेकिंग सबसे खराब है, यहाँ पता नहीं, पता नहीं जितने भी आदमी लोग भी रखे हैं सब एकदम डल, अच्छा ही अपने लिए तो बढ़िया ही है, तो यहाँ जल्दी जल्दी भगा देते हैं। आप जाइए गुवाहाटी एयरपोर्ट पर, नॉर्थ ईस्टर्न एयरपोर्ट्स पर जाइए, और दिल्ली एयरपोर्ट पर भी बहुत घूर घूर के देखता है। तो पहले आपको है ना यहाँ पे चेकिंग हो रही, फर्स्ट एंट्री ऑफ चेकिंग, गेट पे चेकिंग हुआ आपका, सब कुछ जो नहीं गए सीख लो कैसे जाना है वहां, तो सीधा कौन बोला बोर्डिंग पास लेने, हेमंत क्या बोर्डिंग पास ऐसे नहीं मिल जाएगा, पहले तुम गेट पे उतरेगा ना टैक्सी से, गेट 1, 2, 3 कहीं से भी घुस जाना, और ऐसे लाइन में रहना, लाइन, फिर वहां पर है ना चेकिंग हो गया, अंदर चले गए, सर अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। अब तुम्हारा कलकत्ता एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे वो नहीं है, तो कैलकटा पर बता बैगेज का एक वो स्क्रीनिंग करवा लो, वो सब छोड़ो, बैगेज स्क्रीनिंग के बाद वहाँ काउंटर होता है, सर हम देख लेंगे मैडम कहाँ बैठी है, नहीं 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 तुम्हारा कौन सा एयरलाइंस है, इंडिगो, स्पाइस जेट, तो इंडिगो में हो सकता है सर बैठे हो, तो
तो जहां भी दुर्भाग्यवश अब तुमको जाना पड़ेगा और वहां जाके अब तुमको बोर्डिंग पास बोल के कलेक्ट करना है। कई बार अपना तुम बता देते हो कैन आई हैव एन आयल सीट, ओके तो या विंडो सीट या मिडिल सीट, और एकदम लैंग्वेज संभाल के उल्टा फुल्टा नहीं, कैन आई हैव अ सीट नियर यू, ये नहीं बोलना है। तो देखिए, तो तुमको अब बोर्डिंग पास मिला, बोर्डिंग पास मिल गया और ये पता है बैठा है वहीं पर, पास लेके वहां पे एक चेयर था वहीं बैठ गया, नहीं अब तुमको सिक्योरिटी चेक में जाना है और फिर से ऐसे तलाशी लिया जाएगा। वहां भावुक मत हो ना, हम क्या आतंकवाद नहीं है, बोले हाँ तो है तुम, वहां फिर से तुम्हारा चेकिंग हो रहा है, उस चेकिंग के बाद वहीं बैठ गया वहां पे, नहीं फिर तुम्हारे गेट होता है जहां से तुमको जाना है, बिना अनुमति के लिए नहीं, अनाउंस होगा तुम्हारा फ्लाइट का टाइम, डिस्प्ले होगा, फिर तुम अंदर घुस रहे हैं। और जब तुम बोर्डिंग कर रहे हैं ना लास्ट में, तो उस बोर्डिंग पास का एक पार्ट उन लोग या तो वो आजकल स्क्रॉल कर लेते हैं, कई एयरपोर्ट्स पे फाड़ लेता है एक पार्ट, उन लोग काउंटिंग कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ऑडिटिंग शुरू हो गई उनकी, कि उनको उन्होंने देखा कि आज सपोज एयरलाइंस में 180 सीट्स बुक थे, 179 लोग ने बोर्डिंग पास भी ले लिया है, चलो 180 के 180 ने बोर्डिंग पास ले लिया है, अब फ्लाइट में चढ़े हैं सिर्फ 179, एक अभी भी मिसिंग है। क्या नाम था इसका रेड टी शर्ट वाले का? मिस्टर शफी। मिस्टर शफी वॉशरूम गए हुए, आपातकालीन अवस्था थी, डोंट टेक इट अदरवाइज एग्जांपल है, अनाउंसमेंट्स पे अनाउंसमेंट्स हो रहा है, वो लेडी ऑपरेटर बोल रही है मिस्टर शफी वेयर आर यू प्लीज कम टू मी आई एम वेटिंग फॉर यू, ऐसा लैंग्वेज में नहीं बोला जाता है। अब ये जाने का मन भी कर रहा है, नहीं जा पा रहा है, बहुत बार अनाउंसमेंट आ रहा है लगातार, और फाइनली मिस्टर शफी को राहत मिली और मिस्टर शफी प्लेन में पहुंच गए, बैठ गए। अब क्या हो रहा है प्लेन में, अगर उन लोग फिर से क्या करते, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, वो काउंटिंग करते रहते हैं हेड्स, ये जो टोपी है ना, ये लोग फिर से फिजिकली अगर फिर काउंटिंग करते हैं, वो भी उनकी एक ऑडिटिंग चल रही होती है, बाहर तो फट गए मतलब वो जो बोर्डिंग पास, फिर से चेक कर रहे हैं। और सपोज में से इनका लास्ट सीट था और ऐसे भी लास्ट पैसेंजर घुसे थे, तो एयरहोस्टेस इनको देखकर बहुत मुस्कुराए अलग ढंग से, वो उनका टारगेट अचीव हो गया कि 180th है, और ये तो अलग ही पहला पहला प्यार है। तो जो भी, तो व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस, ये इंटरनल कंट्रोल था, एयरलाइंस में भी एक इंटरनल कंट्रोल होता है, समझ में आ रहा है, हर जगह। अरे हमारे ऑफिस में भी है सर, मतलब कैसे? कैमराज, आपको पता है कैमराज लगे हुए हैं, जब तुम आते हो एडमिशन के लिए कैमराज है हर जगह, एंड इट रियली हेल्प। एक दो बार कोई भूल से फीस देना भूल गया, पर बुक ले गया भीड़ में, तो फिर उसको बताया गया एंड वी शोड द रिवाइंड करके पूरा वर्जन, तो अच्छा मतलब इट हेल्प्ड अस। तो कैमराज लगे हुए हैं, फिर जब तुम कभी सोचोगे ना कोई नहीं है आज एक्स्ट्रा ट्रैस रखे हैं, कैमरा फोड़ देते हैं, इस कैमरा को फोड़ोगे पर ये जितने छेद दिख रहे हैं तुमको सब में कैमराज है, तो हाँ, और फिजिकल कैमराज भी है, बेंच के अंदर ऑडियो कैमराज है, जब तुम बात कर रहे होगे ना आज फिर एक्स्ट्रा क्लास रखा है, सब रिकॉर्ड हो जा रहा है, रियली ऑडियो कैमराज आ गए, सो बीवेयर, कह के चेहरे के रंग घुल रहे हैं, आज ही कुछ बात किया आपने लग रहा है। तो देखिए हेमंत जी, नहीं मन का अच्छा है, तो देखिए ध्यान से, तो मैं बोलना क्या चाह रहा था, इंटरनल कंट्रोल का आइडिया मिला क्या? इंटरनल कंट्रोल का और एग्जांपल सुनो, तुम एक वेयरहाउस में गया एज एन ऑडिटर कि देखना इनका वेयरहाउसिंग और स्टोर कीपिंग कैसे होता है, तुम गया वहां दरवान था, दरवान दोपहर का टाइम, देखो इधर देखो, दोपहर का टाइम एकदम मोटू दरवान क्यूट सा, और तुम उसको बोला दादा दादा गेट खोलिए, मतलब बोल रहे जाओ ना अंदर, नॉर्मली क्या होता है गेट इन गेट एंट्री इन और ये सब एंट्री होता है, और बहुत ही विचित्र अवस्था में सोया हुआ था, ऐसे भात का टिफिन खुला पड़ा, एक हाथ में भात है, मतलब लगता है खाते खाते थक गया, मुंह से भात गिर रहा है, बोले ये कैसा, अंदर गए तो अंदर हालत और खराब, कैमराज हैं उस वेयर हाउस में, मैं ऑडिटर हूँ आइडेंटिफाई कर रहा हूँ इंटरनल कंट्रोल, कैमरा के तार झूल रहे हैं, कुछ कैमरा में रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा पता चल रहा है, और फिर मैं एग्जिट में गया, एग्जिट में भी दरवान एंट्री करता है, वो भी भात खा रहा था, वो तो खा ही रहा था, बोला कॉपी दीजिए, वो उधर कॉपी लिखा हुआ है आप लिख लीजिए, कॉपी खोले तो उसे पेज ही नहीं है लिखने के लिए, तो व्हाट डिड आई फाइंड दैट इंटरनल कंट्रोल ऑफ वेयर हाउस वॉज नॉट गुड। तो आप समझ रहे हैं इंटरनल कंट्रोल का पहले एक ब्रॉड आइडिया मिला क्या, सर पॉलिसीज होता है, प्रोसीडर्स होता है जो मैनेजमेंट डिजाइन करता है ताकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बढ़िया हो, लॉज एंड रेगुलेशंस अच्छे से चले, तो ऐसे बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग कंट्रोल्स भी होते हैं, ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आप लोग सिनेमा हॉल में जाते हो ना, वो वॉशरूम गए हो कभी हॉल का, उसमें देखना गेट के पीछे जाके बहुत अजीब चीज है देखने के लिए, कोई आपको स्वीपर ना समझ ले, उसमें स्वीपर स्वीपिंग टाइम लिखा रहता है कि 10 बजे कोई आदमी सफाई करके गया है, 10:30 बजे सफाई करके गया, प्लीज अब मुझे इस नजर से मत देखिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, 11:30, 12, तो ये बड़े बड़े मॉल्स में ऑफिसेज में सब, ये भी क्या है उनका ऑपरेशनल कंट्रोल है, देखिएगा आज ये संडे का दिन है कहीं ना कहीं जाओगे पक्का गेट के पीछे आगे चार्ट देखना,
और बस देखना कि लोग तुमको ना देख ले कि क्या कर रहा है, कि ये मॉडर्न स्वीपर अच्छे ड्रेस में आया है, अभी अपना काम करके साइन करेगा। ओके, डन बाय डमरू एग्जाम्पल है। तो कहने का क्या मतलब है कि इंटरनल कंट्रोल आइडिया मिला, मैंने वेयर हाउसिंग एग्जाम्पल दिया, कोचिंग सेंटर एग्जाम्पल दिया, और मतलब कंट्रोल्स के हद एग्जाम्पल्स इतने सारे हैं। जैसे तुम शॉपर स्टॉप में कुछ खरीदते हो, बिल होता है ना, बिल में अपने आप टैक्स जुड़ के आ जाता है, क्योंकि सिस्टम के अंदर ही क्या डाला हुआ है कि टैक्स जनरेटेड अमाउंट कैलकुलेट होकर निकलेगा, वरना जो वो जो ऑपरेटर है वो जीएसटी पढ़ा हुआ थोड़ी है। तो दिस आर व्हाट इंटरनल कंट्रोल्स। तो हम पढ़ा रहा था क्या, प्लानिंग स्टेज, मैं बिजनेस को समझा, मैं अंडरस्टैंड किया इंडस्ट्री को, मैं लॉज कौन से एप्लीकेबल है, मैं रैप कैरी किया, रैप कैरी करने से मेरे को रोमम लेवल पता चलता है कितना रिस्क होने का चांस है, मैं इंटरनल कंट्रोल को स्टडी किया, आई डिड नॉट से एनालाइज, आई डिड नॉट से इवैल्यूएट, मैंने स्टडी किया दैट व्हाट आर द डिम बाय मैनेजमेंट डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल बाय मैनेजमेंट, और इट कैन बीन सेल्स, इट कैन बीन परचेज। और पता सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि इतिहास साक्षी है, जब जब बड़े बड़े स्कैंडल्स या फ्रॉड्स हुए हैं उनका क्या चीज खोखला था, इंटरनल कंट्रोल। अंडरस्टूड एवरीवन? तो प्लानिंग के बारे में अब तुम्हारे पास तो बहुत आइटम है बोलने के लिए। अब देखिए, प्रोसीडर्स परफॉर्म करेगा ऑडिटर। ऑडिटर क्या करेगा, प्रोसीडर्स परफॉर्म करेगा ऑडिटर। अब प्रोसीडर्स हम लोग पढ़ेंगे, एक छोटा सा 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, इट्स नॉट अ बिग ब्रेक, बिग ब्रेक और थोड़ी देर बाद है। तो प्रोसीडर्स परफॉर्म करेगा, ठीक है। बिफोर वी टेक द ब्रेक, मैं आपको एक बार गलत बुक खुल गया, आपके आई बुक में बुक खोलिए प्लीज, आए ना बुक लेके आप लोग, ऐसा कहीं है बुक में, जितना पढ़ाया ना सब लिखा हुआ था, तो इससे कोई टेंशन की बात भी नहीं। और आज पढ़ लेना 10 मिनट, तो ऑडिटिंग कॉलेज खुलने के पहले मैं 4-5 फंडामेंटल क्लासेस करा दूंगा। ए देखो, बस बस दिखा रहा हूं, मैं बोलूंगा ना, आई वॉन्ट रेस्ट। कल इसको अभिश्वेता आने से सेट करना, अभी मत एक्सपेरिमेंट करना। नहीं नहीं आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, आज नो रिस्क। लुक, ये सब हो गया था क्या? अरे बोलो ना, कोई कोई बोल ही नहीं रहा। अरे कल कल, हाँ इसमें लिखा 70-90% हाई लेवल। जल्दी जल्दी, ये सब हो गया था ना, ये सब मेरे यहाँ चार्ट बने हुए थे भाई, ये सेम चीज़ ही मेरे यहाँ क्या बन गया था, बॉक्स। तो पीपीटी नहीं दूंगा, जाओ। अच्छा दे दूंगा, बट कई पेन ड्राइव स्टूडेंट में से सारा पीपीटीज मांग रहे हैं, सारा पीपीटीज आर माई प्रॉपर्टी, आई कैन नॉट गिव इट, आई कैन नॉट गिव ऑल पीपीटीज। कई बार टीचर्स भी मंगवाते हैं ना मेरा पेन ड्राइव, तो मतलब उनको सारा पीपीटीज कैसे दे दूँ, फिक्टिशियस नाम से कुछ आते हैं एंट्रीज, पता भी चल जाता है कौन मंगवाया है। कम प्लानिंग, अरे वाह, इवैल्यूएट, स्टडी लिखो, इवैल्यूएट अभी मत लिखो उतना, क्योंकि प्रॉपर इवैल्यूएशन, डिटेल्ड इवैल्यूएशन बाद में होता है। लॉज एप्लीकेबल, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है पर मैं झुक के लिख नहीं पा रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा रफली लिख रहा हूँ। बोलो, मिला, मज़ा आ गया? वॉज इट वेरी बोरिंग क्लास, की एक लाइन ही नहीं समझ में आया आपको? हाँ आ रहा है ना, गुड। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ये है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। और अच्छा, ए ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड्स एंड एरर्स, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। ऑफ कोर्स फ्रॉड आएगा तो रिपोर्ट करेंगे, बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इज इट फाइन? वेरी गुड, हटाऊं? वेरी गुड बैच। आइए एग्जीक्यूशन, इधर पे आते हैं, ये पॉइंट 2 बहुत बवाल है। फुल पेज, चलिए हम लोग एक 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं ऐसे ही, ठीक है? 2-3 मिनट्स, इज नॉट बिग ब्रेक, बिग ब्रेक इज आफ्टर 15 मिनट, जैसे होता है हर बार। स्टॉप द रिकॉर्डिंग, मतलब पॉज इट, पॉज इट। सो प्लानिंग स्टेज में हम लोग थे, एंड नाउ वी आर मूविंग 1 स्टेप अहेड, लुक एट द वर्ड्स, ठीक है? ऑडिटर कैरीज आउट, अब हम लोग एग्जीक्यूशन में जा रहे हैं। हाँ अच्छा देखो, प्लानिंग में भी एक प्रोसीडियर कैरी हुआ था जिसका नाम क्या था भाई, प्लानिंग में क्या कैरी आउट हुआ था, टेल मी, रैप। और नाउ इन एग्जीक्यूशन व्हाट इज हैपनिंग,
ऑडिटर कैरीज आउट प्रोसीडर्स बहुत सारे, अब इसकी डिटेल होगी ब्रेक के बाद, टू ऑब्टेन इंग्लिश देखो सफिशियंट अलग इंक अप्रोप्रिएट, दो अलग वर्ड्स है, सफिशियंट अप्रोप्रिएट नहीं मिला वर्ड्स, आई वॉन्टेड सेपरेट इंक और वर्ड टू वर्ड पेपर में आना चाहिए कि ऑडिट इज कैरिंग आउट प्रोसीडर टू ऑब्टेन सफिशियंट एक अलग शब्द है, अप्रोप्रिएट एक अलग शब्द है, सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, एक वर्ड होता है प्रूफ, वो मत लिखना, शब्द क्या लिखोगे, ऑडिट एविडेंस, तो ऑडिट इज कैरिंग आउट प्रोसीडर्स टू ऑब्टेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और ये जो एविडेंस वो गैदर करेगा ना, वो अपने ना वर्किंग पेपर्स बोल के एक चीज होती है ऑडिटर के पास, कौन सी चीज है, वर्किंग पेपर्स, जिसको तुम लोग डायरी बोलते हो ना, डायरी लिखना मत एग्जाम में वरना तुम्हारा डायरी हो जाएगा, एग्जाम में क्या वर्ड यूज करोगे, वर्किंग पेपर्स, जहां पे जो जो वो प्रोसीडर कैरी करता है लिख लेता है, जो एविडेंस उसे आते हैं हाथ में वो भी लिख लेता है, सर लिखने का क्या दरकार है, फायदा होता है, बड़े बूढ़े हमेशा क्या बोलते थे, डायरी मेंटेन कर, लिख लिया कर, थारो कई काम हो गए है और कई काम बचो है, तुम्हारा क्या काम हो गया है, क्या काम बचा हुआ है, लिखने से क्या होता है, यू कैन रिव्यू इट इन अ बेटर वे, यू विल नॉट बी कंफ्यूज आफ्टर सम टाइम, ये हो गया या नहीं हो गया, फिर से कर लोगे, टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए वर्किंग पेपर्स में प्रोसीडर्स लिखे जाते हैं, क्या क्या कैरी हुआ है वर्किंग पेपर्स में और क्या करने वाला है वो भी वो लिखता है, प्रोग्राम समझते हो, ऑडिट प्रोग्राम बोल के चीज पढ़ोगे, ये काम ये करेगा, वो काम ये करेगा, डेलीगेशन और काम के बाद फीडबैक क्या आया था, उस पर क्या ऑब्जर्वेशंस थे, वो सारी चीजें वर्किंग पेपर्स में लिखी रहती है, तो बहुत उपयोगी पेपर है, अलग से ये 25 मिनट की क्लास है, आज नहीं है, वर्ड है आने वाले क्लास का, एक वर्ड है एक्चुअली, पता है आज मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर कॉलिंग आउट आर सेपरेट चैप्टर्स, तो वर्किंग पेपर्स समझ में आ गया आइडिया, प्रोसीडर्स परफॉर्म्ड, प्रोसीडर्स टू बी परफॉर्म्ड, एविडेंस ऑब्टेन्ड, सब कहां लिखा रहता है, वर्किंग पेपर्स, नहीं लिखेंगे सर तो लिखना कंपलसरी है, क्यों सर, इस पर स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग है, तो सर स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग कंपलसरी मैंडेटरी अनिवार्य होता है फॉलो करना, नहीं करेंगे सर तो, बताया था ना, फाइन्स अलग है, कोड ऑफ एथिक्स सेकेंड शेड्यूल का उल्लंघन अलग है, ही कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ अदर्स वाइल कंडक्टिंग ऑडिट, डिस्कशन में बताया था ना वो एक्सपर्ट ब्रांच ऑडिटर असिस्टेंट्स, तो एक बात बताओ, अगर हम एक्सपर्ट के काम को यूज कर रहे हैं और उसके काम में गलती था तो कौन पकड़ा जाएगा, ऑडिटर या एक्सपर्ट, ऑडिटर, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, अंडरस्टूड, वो बच नहीं पाएगा, हम उसका फोन नंबर दे रहे हैं उससे बात करिए ना, मेरा असिस्टेंट गलत किया था उससे बात करिए ना, डॉक्टर से ऑपरेशन गलत हुआ है तो डॉक्टर ही पकड़ा जाएगा, चाहे इंडक्शन नर्स ही गलत दी थी, डॉक्टर ही अकाउंटेबल होता है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, एंड लास्ट में थर्ड स्टेप यहां लिखा नहीं है पर मैं बता दे रहा हूं, ऑडिट रिपोर्टिंग, तुम लोग की बुक में है क्या लिखा हुआ, हाँ नहीं ना, और ऑडिट रिपोर्टिंग अपने आप में इट्स अ थ्री क्लास टॉपिक, दिस ये तीन क्लास का टॉपिक ऑडिट रिपोर्टिंग, ये तीन क्लास है, एसए 700 701 705 706 ये सब ऑडिट रिपोर्टिंग के वो है, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस, अच्छा एक वर्ड सुना आपने जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड एक और वर्ड सुना आपने स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनीवन इन द क्लास बोलो, दो शब्द हैं समाज में, वन इज जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एक और शब्द है दुनिया में स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये जो सर्कुलेट शेयर होल्डर्स और को होता है वो कौन सा है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो जनरल पब्लिक को सर्कुलेट हो रहा है, जनरल स्टेक होल्डर्स को, और जैसा आप बनाते हैं अक्रूअल बेसिस एंड एवरीथिंग, बट व्हाट इज स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई स्पेसिफिक लॉ बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बना के दो, सपोज आप एक टेलीकॉम कंपनी है, ट्राई TRAI की कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि हमारा एक फॉर्मेट अलग भी है वैसे भी बनाओ, या आपके क्रेडिटर्स आपको बोल रहे हैं प्लीज प्रिपेयर योर स्टेटमेंट्स ऑन लिक्विडेशन बेसिस, आप तो नॉर्मली कैसे बनाते हैं, गोइंग कंसर्न बेसिस पर क्रेडिटर्स अलग से मांग कर लिए प्लीज हमको लिक्विडेशन बेसिस के अनुसार बना के दिखाइए ना, तो बनाएंगे, तो ये स्पेशल पर्पस इज फॉर ओनली फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट स्पेशल ग्रुप, इट इज नॉट सर्कुलेटेड टू जनरल पब्लिक, सिर्फ जिसको दरकार था उसी को आप देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे दो मार्क्स का आ सकता है, स्पेशल पर्पस इज फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेशल ग्रुप, एग्जाम्पल पर्टिकुलर लॉ इज डिमांडिंग अ स्पेशल फॉर्मेट, एग्जाम्पल क्रेडिटर्स आर सेइंग दैट हमें बना के दीजिए ऑन लिक्विडेशन बेसिस, दिस इज स्पेशल पर्पस, एंड या सपोज आपकी कोई फॉरेन होल्डिंग कंपनी है, आप इंडिया में है, प्लीज आप अपना इंडिया में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, इंडिया के अनुसार
पर आपकी फॉरेन होल्डिंग कंपनी क्या बोलती है कि देखो भाई हम तुमको यहाँ कंसोलिडेट करते हैं, आप तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग का फॉर्मेट के अनुसार बना के भी भेजो तो एक बार बाहर के लिए, तो ये हो गया स्पेशल पर्पस के लिए आप अलग से बना रहे हैं। आप इंडियन कंपनी हो, आप अपना इंडिया के अनुसार बना रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर आपकी एक फॉरेन होल्डिंग कंपनी है वहां से एक मेल आया है दैट प्लीज ऑल्सो सेंड अस अकॉर्डिंग टू आवर कंट्रीज, क्योंकि हम जब कंसोलिडेट करेंगे तो इट हैज टू बी यू नो अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड्स, तो दैट इज अ स्पेशल पर्पस। पक्का? तो यहाँ छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत सारे लिखे हुए थे, लुक एट द स्क्रीन्स, रिपोर्टिंग पर आ जाते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 कहीं है क्या? आइडिया दे रहा हूं, अगेन रिपोर्टिंग की भी मैं आइडिया दे रहा हूं, आई एम नॉट फिनिशिंग द डिस्कशन। व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट? चार नाम है, बहुत फेमस नाम है, और ये 2, 3, 4 को इकट्ठा एक और नाम से बोला जाता है, मॉडिफाइड रिपोर्ट्स भी बोलते हैं। 2, 3, 4 इज ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड रिपोर्ट, 2, 3, 4, और क्लियर रिपोर्ट का और एक नाम है अनमॉडिफाइड। 2, 3, 4 इज ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड रिपोर्ट्स, एंड रोमन 1 क्लियर रिपोर्ट इज नोन एज अनमॉडिफाइड, ये और एक है अनक्वालिफाइड। लिख रहे हो आप? सो व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट? 1, वी हैव क्लियर रिपोर्ट जिसका और एक नाम है अनमॉडिफाइड। Another we have modified, and modified को तीन और नाम से हम जानते हैं, one is qualified, adverse, disclaimer। पढ़ाना शुरू करूं? ठीक है, ये शेड्यूल 3 होगा, मिसप्रिंट। तुम लोग की बुक में 3 है या 6 है? मिसप्रिंट है, 3 होगा। इसके लिए कई बार क्वेरी भी आ जाता है बाहर के स्टूडेंट का, सर 6 लिखे हैं या 3, इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। शेड्यूल 6 किसका है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वाले कंपनीज का लिस्ट दिया हुआ है उसमें। नॉलेज ऑफ द बिजनेस ऑफ द क्लाइंट, वैसे हम बना दिए, तुम लोग मत लिख के आना कोबो, ओले बोलेगा कुछ और। आइए तो क्वेश्चन 10, व्हाट आर टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट? बोलो मिलता है? सबसे पहला लाइन आज का पहला क्लास, द ऑडिटर एक्सप्रेसेस, अरे थोड़ा तो साथ दे दो, रीजनेबल अश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग, ये है क्लियर रिपोर्ट। सब सही है हमारे यहां पर, ठीक है, तो इसको पढ़ाने की दरकार नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू को बोलते हैं क्लियर रिपोर्ट। अब आइए मॉडिफाइड रिपोर्ट, हिंदी में सुनो, ये लिखना इन एसए 705 एंड 706 में होगा डिटेल, अभी सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिफाइड रिपोर्ट? अगर कोई पूछे ना, इंग्लिश देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। सर सेम चीज है, देखिए जी, दो दो बार क्यों पढ़ाता है आप? ऊपर था ट्रू एंड फेयर व्यू, पर इधर देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, लाइन आ गया, सब्जेक्ट टू सर्टेन पॉइंट्स, यानी कुछ कुछ चीज गड़बड़ है बाकी सब ठीक है। एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज बाई रुपीज सो एंड सो, ये लिखना पड़ेगा बाई रुपीज कितना, सिर्फ आप ओवरचार्ज लिख के नहीं आ सकते, डेप्रिसिएशन अंडरचार्ज भी हो सकता था। पीबी दीदी, सर किसकी दीदी? अरे तुम्हारी दीदी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो पीबी दीदी ज्यादा दिखा दिया है कम दिखा दिया, बाई रुपीज सो एंड सो। हमेशा याद रखना, जब हम क्वालिफाई करते हैं तो हमें क्वांटिफाई भी करना पड़ता है। सर क्या बोलता है आप? अरे कितने रुपयों की गड़बड़ है वो भी हमें वहां पर अभिव्यक्त करना पड़ता है, और उसके कारण प्रॉफिट लॉस पे क्या फर्क आ रहा है वो भी स्पष्टता के साथ हमें प्रकट करना पड़ता है। बाकी हिंदी ऐसे 705 में समझाऊंगा, आज इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो मॉडिफाइड रिपोर्ट मतलब कि आपकी रिपोर्ट में बदलाव आया है, ट्रू एंड फेयर व्यू है अभी भी, कुछ कुछ चीजें गड़बड़ है बाकी सब ठीक है, तोड़ा तोड़ा, क्या बोला ठीक से बोलो, तोड़ा तोड़ा, ओके सब ठीक है पर तोड़ा तोड़ा गड़बड़ है, ओके दिस इज मॉडिफाइड रिपोर्ट। पर एडवर्स रिपोर्ट पता है क्या है? एकदम नाना पाटे का टाइप, मतलब गाली, सीधा गाली दे दिया, कई लोग होते हैं हर बात पर गाली देते हैं, सुने होंगे। तो देखिए एडवर्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। से क्यों, क्या हुआ? अरे गोइंग कंसर्न ही हिलेला, बात को छुपाईला, मतलब कि उनका सब बिक गया था और बता भी नहीं रहे नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अरे बिकना गलत बात नहीं है, लिखो तो सही कि हम बिक गए, मतलब हमारा कंपनी बिक गया है, छुपा रहे निवेशकों को। सर निवेशक, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स की आंखों में धूल झोंक रहे थे आप। तो ऑडिटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू,
लैंग्वेज एग्जाम्पल भी लिख के लाया, देखिए टाइम बच गया ना, जो चीज़ है टेक्नोलॉजी में उसको क्यों डिक्टेट करूँ, पहले बोर्ड पे लिखूँ फिर साफी से मोछूँ उसको, मतलब दिस इज हाइट्स। वे आप भी बोलोगे सर डिटेल में बेवकूफ़ बना है, अगर ऐसा ही होता कि 3 घंटा पढ़ के रैंक आता है तो शास्त्रों में आ जाता, रीड 3 आवर्स ऑडिट क्लास एंड गेट रैंक, ऐसा तो आया नहीं इंडिया टुडे मैगजीन में भी, डिटेल में पढ़ने के बाद भी लोग डिटेल में फेल हो रहे हैं, रिवाइज नहीं करते इस कारण से। आई एम नॉट सेइंग दैट द टीचर इज एट फॉल्ट बिकॉज आई एम ऑल्सो बिलोंगिंग टू दैट फ्रेटर्निटी। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये बहुत क्यूट है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, इसका मतलब पता है क्या है, ऑडिटर ओपिनियन दे ही नहीं पाया। तुम और भावुक हो गए, सर स्टैंडर्ड ऑडिटिंग नहीं पढ़ा हुआ था क्या, क्यों नहीं दे पाया, ऑडिटर था तो सुनोगे क्या हुआ उसके साथ, सुनोगे क्या, बोले पूछो सुनोगे क्या, ठीक है बताते हैं आप बोल रहे हो तो। सपोज हेमंत जी ऑडिटर है, ये अपना धोती वोती पगड़ी वगड़ी बांध के गए, राजस्थान में ऑडिटर है, बहुत पूरा पुराने देशी स्टाइल से गए ऐसे, और पान मुंह में है, कत्था भी है पान में और सुपारी भी हो गई ऑफकोर्स, पान चबाते चबाते पहुंचे वहां पर, ऐसे रहे दो हाँ वहाँ मुश्तैदे दरवान थे फैक्ट्री के, क्लाइंट के फैक्ट्री के गेट पर, गेट खोलो, और दरवान को है ना पहले से ट्रेनिंग दे रखा था, कौन मालिक, कि गेट खोलना नहीं है, फैक्ट्री के अंदर आ जाएगा तो पता चल जाएगा, मशीन है नहीं, प्लांट है नहीं, इक्विपमेंट्स है नहीं, और आपको पता है ना ये सब बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होते हैं, चेकिंग करने के लिए फिजिकली वेरीफाई भी किया जाता है चीज़ों को, पेपर्स तो देखा ही जाता है कि मशीन है क्या, पेपर दिखाओ मशीन का, और फिजिकल वेरिफिकेशन बोल के भी एक चीज़ होती है, गेट खोलो, तो बोल दिया उन लोग, बहाना मारने लगा, अभी अभी पेस्ट कंट्रोल वाला आया हुआ है अंदर, पेस्ट कंट्रोल समझते हो, उस समय कोई अंदर घुस नहीं सकता, स्मेल होता है, अभी पेस्ट कंट्रोल वाला आया हुआ है कल आइएगा, ये चला गया घर, फिर आया घर से धोती बदल के तैयार होके अगले दिन, फिर पान खाते खाते गेट खोलो, अब दरवान लोग को फिर ट्रेनिंग दिया हुआ है, अभी आप अंदर नहीं जा सकता, बोला आज क्या हुआ, अभी तांत्रिक बाबा पूजा कर रहा है, अभी बहुत अखंड मृत्युंजय जाप चल रहा है, अभी कोई बाहर का आदमी नहीं जा सकता, बहुत ही धार्मिक ऑडिटर है, ओके ओके कोई बात नहीं, अच्छे से मंत्र करना हाँ कल आएंगे। अगले दिन फिर आया, गेट खोलो, जबरदस्त ट्रेनिंग दिया हुआ दरवान को, आज बंद है फैक्ट्री, बोला क्या हुआ, मालिक के घर में किसी का देहांत हो गया, शोक सभा है, और ये बहुत भावुक इंसान है, मे द सोल रेस्ट इन पीस, फिर चला गया। अगले दिन फिर आया, गेट खोलो, दरवान भी भक पका गया, अब क्या बोले, लास्ट में नर्वस होकर पता क्या होने लगा, नहीं अभी आज भी नहीं होगा, बोला क्या हुआ, नहीं मालिक मर गया, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसके घुसने नहीं दिया गया, फिर वो समझ गया हेमंत भी कोई कम छोटा चीज थोड़ी है, नहीं नहीं गेट खोलो, अब दरवान भी झाड़ दिया, ये गेट अगर खुलेगा ना एक और गेट ऊपर आपके लिए खुल जाएगा, अंदर आप जाएगा तो बाहर नहीं आ पाएगा, घुसने नहीं दिया। फिर चला गया कंपनी का और एक ऑफिस, वहां रिकॉर्ड चेक करने के वहां से गया था, वहां तो मतलब गेट पर इलेक्ट्रिक करंट इसके लगा दिया गया, जैसे ही गेट को छुआ ना वहां पे हिल रहा है जोर जोर से, समझ गया कुछ गड़बड़ है, फिर एक दरवान को पूछा ये क्या है, सर आपके लिए ही है, आएंगे अंदर आइए, तो इसको अंदर नहीं आने दे गया, हेड ऑफिस गया वहां पे तलवार लेके खड़ा था, बाकी दरवान तो डंडा लेके खड़ा देते और एक तलवार लेके इसके चमकार है, कुछ बोल नहीं रहा है, ये क्या है, बोला क्या, चाकू तलवार, तो इसको मतलब हेड ऑफिस घुसने नहीं दिया गया, फैक्ट्री आने नहीं दिया गया, ब्रांच ऑफिस में प्रवेश नहीं कर पाया, तो ये क्या करेगा बताइए, व्हाट विल यू डू, हाँ इज्जत ही नहीं है, होता ना, अब जैसा मतलब परफेक्ट ऑडिटर था ये, तो मिला नहीं, इसको ऑप्शन आया था, लेंगे क्या मिठाई का डब्बा, नहीं हमको शुगर है, समझा भी नहीं इशारा भी, तो कहने का क्या मतलब है, तुम भी नहीं समझे क्या, समझता है तुम, मैं समझ गया ठीक है, तो व्हाट हैपेंड, इसको इशारा आया पर समझा नहीं, तो इसका एक फ्रेंड से मिला जाके, हेमा, हेमंत है इसका नाम, उसका नाम क्या है, हेमा, मतलब अच्छा साउंड इफेक्ट आता है, तो हेमा से पूछा क्या करना चाहिए, करना क्या चाहिए, आपको लिख देना चाहिए एडवर्स रिपोर्ट, गलत लिख दीजिए, गलत रिपोर्ट, ऐसा गलत कंपनी है, गलत रिपोर्ट लिख दीजिए, आप लिख नहीं सकता है क्योंकि राजा हरिश्चंद्र हेमंत, नहीं हम जब नहीं देखे हैं वहां कुछ गलत नहीं है तो हम कैसे लिख दें, तो क्या करेंगे आप, आई कुड नॉट अराइव एट एनी ओपिनियन बिकॉज आई वॉज नॉट अलाउड टू गैदर ऑडिट एविडेंस, बिग सीरियस लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ माई कार्य क्षेत्र वॉज इम्पोस्ड, दिस इज नोन एज डिस्क्लेमर ऑफ, डिस्क्लेमर जानते हो, जैसे बुक्स में इंस्टीट्यूट लिख के रखा है, इतना गलती होता है ना बाई चांस भूल से, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइपिंग एरर इन द बुक, ट्राई योर लक, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब है ऑडिटर कुड नॉट अराइव एट एनी ओपिनियन, सारे स्टूडेंट सिर्फ यहां तक लिख के आते हैं, कटेगा मार्क्स, क्यों कटेगा, इधर देखो ये वर्ड बच्चा लिखना भूल जाता है, ये वर्ड पेपर का जान है, एक बात बताओ डिस्क्लेमर कैसी रिपोर्ट है, पॉजिटिव ओपिनियन है या नेगेटिव ओपिनियन है, 2 करोड़ का है क्वेश्चन, गया तुम्हारे ये भी, क्योंकि ये ओपिनियन ही नहीं है,
यहाँ कोई ओपिनियन ही नहीं है, आज कोई भी रुपया नहीं उठा पाए तुम लोग। नहीं हम ऐसे भी नहीं बांटते हैं, मतलब मैंने कभी नहीं बांटा, मतलब ये सब कैश अवार्ड, आई एम अगेंस्ट दिस पॉलिसी। बच्चे मन में भेदभाव आता है, जो पीछे बैठा रहता है वो भावुक होता है, इसी को देते हैं सर, सर टारगेट कर लेते हैं रैंक होल्डर, इसको खुश करने के लिए दे देते हैं, मतलब ऐसा मन में नहीं आए। तो देखिए, व्हेन द ऑडिटर कुड नॉट अराइव एट एनी ओपिनियन ड्यू टू अ मटेरियल लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट, ये छाप पाएगा आंसर्स में। सब स्टूडेंट क्या आज ही पूछना ना, आज दो तीन क्वेश्चन लिख के देना, स्पा पूछ के आना, स्कॉट पूछ के आना। ए स्पा चलेगा? कैसे पूछोगे, क्या बोल रहा है? बस स्पा चल, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तुम ऑडिटिंग का स्टूडेंट है, स्पा में ही तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बोला फालतू बात मत करो, अभी हम तुमको ले जाएंगे टैक्स टीचर के पास। और चलो सर स्पा का बात कर रहा है, यू शुड गो आउट। नहीं सर, स्पा कॉन्सेप्ट आपको हम बताते हैं, आप टैक्स जानते हैं, हम ऑडिट जानते हैं, स्पा इज सिस्टम्स एंड प्रोसेस एश्योरेंस। कर मत देना, ऐसा टैक्स सीखोगे ना फिर लग जाएगा सर चार्ज पेनल्टी सब। एंड वॉट इज डिस्क्लेमर, ऑडिटर कुड नॉट अराइव एट एनी ओपिनियन, क्यों नहीं ओपिनियन अराइव कर पाया? ड्यू टू वर्ड चाहिए, वर्ड चाहिए मत, ये देखो ये बोलो, ड्यू टू एविडेंस। हाँ सीबीआई का है क्या तुम, क्या था क्या सीबीआई में जो क्या नाम है प्रद्युमन एक लड़का, ड्यू टू एक लड़का तो इतना चीप चीप लिखा है, ऑडिटर कलेक्ट प्रूफ्स लिख के आता है, ऑडिटर कलेक्ट बोल के दिखाओ ना, प्रूफ्स, लॉट ऑफ प्रूफ्स अवेलेबल, इतना गंदा मार्क्स मिलेगा। वर्ड क्या है? ऑडिट एविडेंस, धीरे बोली सुनाई दे रहा है, ऑडिट एविडेंस शब्द है, एंड एक शब्द जो यहां पर है दैट इज वॉट मटीरियल। अब तुम लोग प्रूफ भी लिखने वाले, हमको डर लग रहा है कि सब कॉन्शियस माइंड में इतना चला गया ना, एक दूसरे को देखे बोलेगा प्रूफ्स। द वर्ड इज वॉट मटीरियल लिमिटेशन, मतलब रोक टोक कि बोलते पाओ, एक जगह एक जगह तो एकदम वो था बाहुबली में जो आया था ना काला वाला, जो एक तो बाहुबली वन में जो एक लड़ने वाला, क्या नाम था उसका, काल के, और इसमें भी अपडेटेड है, तुम अच्छा लाइक ऑडिटिंग में सारे याद कर लेगा, काल के टाइप के दरवान थे, उसको मैं बोला कि खोलो हो है हो, उसको इशारा में बोल रहा था, आदिवासी को लेके आ गया था कि तुम्हारा गर्दन उड़ा देंगे, तो मतलब एक गर्दन उड़ाने के बाद ये सब नहीं लिखना एग्जाम में। अच्छा एग्जाम में यू कैन नॉट राइट स्टोरी, वंस अपॉन अ टाइम एन ऑडिटर, फिर बोलते सर आई रोट इन योर लैंग्वेज, ये समझाने का इम्पैक्ट वाला एग्जाम्पल है। एग्जाम में कौन सा वर्ड पे मार्क्स है? मटीरियल लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट। अंडरस्टूड एवरीवन? बोलो। मॉडिफाइड रिपोर्ट तीन टाइप के हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर में ना पॉजिटिव ओपिनियन है ना नेगेटिव, इनफैक्ट ओपिनियन ही कुनी बिकॉज ऑफ दिस। क्लियर रिपोर्ट को अनक्वालिफाइड भी बोलते हैं, और मॉडिफाइड में तीन नाम है, क्वालिफाइड, एडवर्स एंड, और एक नाम क्या है, स्कोप ऑफ ऑडिट। तो एक बात बताओ मेरे को, प्लानिंग स्टेज में मेरे को कोई खुश कर दो, हिम्मत आओ एक एक करके स्टेज पे आओ, जल्दी आओ लाइन से आ जाओ, तीन तो गई तीनों आओ, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर इंडिया, और एक क्या होता है नहीं झूठे उसको बना दिए, कम आओ, रैपिड फायर राउंड खोल रहे हम लोग, एक एक रुपया क्वेश्चन खेल रहे हैं, बताया एक एक में, अब एक एक दूंगा भी, एक एक तो मतलब शगुन का होता है, एक एक रुपये का क्वेश्चन है, उसमें क्या हुआ, प्राइस तो प्राइस होता है, एक रुपया हुआ तो क्या, सौ पैसा समझो तो, एक रुपये का पहला क्वेश्चन, एक रुपये का पहला क्वेश्चन, ठीक है, नहीं दिख रहे हैं कि हम लोग, हाँ मेरे को मत काट देना टीचर, हमें आई चल रैपिड फायर राउंड, ऑडिट प्लानिंग का स्टेप्स कुछ बताओ, ऑडिट प्लानिंग क्या होता है, जल्दी बताओ एकदम रैपिड फायर, पहले क्या तुम ऐसे स्टेप वाइज मत करो, सबसे पहले तुम क्या करेगा, बिजनेस को समझेगा क्लाइंट को, वेरी गुड, बिजनेस देन आई विल इंडस्ट्री, वेरी गुड स्कॉट, थर्ड फोर्थ बताओ, यस इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करेगा, तुम हंसता क्या दूसरे पर, इधर आओ, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन कर रहा ऑडिटर, वो प्रोसीडर्स कैरी करता है टू गैदर प्रूफ, अरे नहीं हम तो मिसगाइड कर रहा था, टू गैदर सब एक एक रुपया भी नहीं ले पाए लोग, सब खाली हाथ कटोरा लेके जा रहा है, टू गैदर मटेरियल लिमिटेशन, नहीं नहीं क्या बोल रहे हैं, सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीडर्स, इधर आओ, रिपोर्ट में मॉडिफाइड रिपोर्ट में तीन प्रकार के हैं, एक रुपए का क्वेश्चन, यस एग्जैक्टली, क्वालिफाइड रिपोर्ट, नेक्स्ट एडवर्स, एडवर्स एंड थर्ड वन exactly disclaimer of opinion, record हो रही है ना बिल क्लास, तो क्वालिटी देखिए स्टूडेंट, इफ वन स्टूडेंट कैन गिव द आंसर, आप जो पेन ड्राइव में कर रहे हैं आप भी दे सकते हैं, ठीक है मिलते हैं बाद में, तो क्वालिफाइड, क्वालिफाइड में क्या बोला आंसर, ये तो भाग भी गया रेलगाड़ी, जा दो डब्बा भाग गया, जा भाग, क्वालिफाइड इज ट्रू एंड फेयर व्यू सब्जेक्ट टू सर्टन रिजर्वेशन, कुछ कुछ चीज गड़बड़ है बाकी सब सही है, उसके बाद क्या था, एडवर्स,
एडवर्स क्या है? यस, नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, जब सही व्यू नहीं दिखा रहे हैं. एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में ऑडिटर कुड नॉट अराइव एट एनी ओपिनियन ड्यू टू अ लिमिटेशन, मटेरियल लिमिटेशन ऑन द स्कोप. यस, स्कोप ऑफ ऑडिट. वेरी गुड बैच, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. वी मस्ट मीट अगेन आफ्टर द ब्रेक. तो देखिए ध्यान से, तो ये तीनों बैठो, सब बैठो, स्थापना करो. और तुम टू करेक्ट मटीरियल लिमिटेशन, क्या मेरे पर बाधा डालो, मेरे पर चाकू लगाओ, इसलिए क्या ऑडिटर? अच्छा, कैन एनीवन टेल मी व्हाई द वर्ड इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट? वैसे तो डिटेलिंग करवाऊंगा मैं. सफिशिएंट मतलब है कि एविडेंस सिर्फ एक तरीके से पाके खुश मत हो. सपोज डेटर्स का बैलेंस क्लाइंट बोल दिया, डेटर्स 5 लाख है, आप चेक कर लीजिए, हम बोल रहे हैं. उसके बोलने पे थोड़ी कर दूंगा, डेटर्स से भी पूछूंगा ना, आपका 5 लाख बचा हुआ है क्या? तो यानी कि सफिशियंसी का मतलब होता है फ्रॉम 2-3 sources टू क्रॉस चेक. सर ऐसे कितना ज्यादा सफिशियंट पाए? रॉमम लेवल अगर हाई है, रिस्क अगर हाई है, तो ज्यादा एविडेंस गैदर करिए. अंडरस्टूड? एंड व्हाट इज अप्रोप्रिएट? सर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे रिलाई करूं या ओरल एविडेंस पे रिलाई करूं, ज्यादा रिलायबल क्या है? डॉक्यूमेंट्री. ओरल भी हो सकते हैं एविडेंसेस. सर मैं विजिबल एविडेंस पे रिलाई करूं या कुछ कैलकुलेशन पे रिलाई करूं, डिपेंड करेगा. सर मैं एक्सटर्नल पे रिलाई करूं या इंटरनल, ज्यादा रिलायबल क्या होगा? एक्सटर्नल. जैसे डेटर्स से आप जब कंफर्मेशन लेते हो वो एक्सटर्नल है, इंटरनल तो आपके बने बनाए भी हो सकते हैं. तो आज देखो मैंने कॉन्क्रीट कुछ नहीं कराया, बट मैंने आपको पूरा फीलिंग दे दिया व्हाट इज ऑडिटिंग. तो एक बात बताओ, प्रोसीड्यूर्स का पहला होता है प्लानिंग स्टेज में जो प्रोसीड्यूर्स होता है उसको क्या बोलते हैं? रैप. एंड ये अभी नहीं करवाऊंगा. क्वेश्चन 11 देखो, हाउ इज ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड? ऐसा कुछ है क्या आपके लाइफ में? ये जो है ये फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स बोलते हैं, ये ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन स्टेज होता है. बैठूंगा मैं, क्वेश्चन 11 इज फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन स्टेज, यानी प्लानिंग स्टेज में नहीं हो रहा ये प्रोसीड्यूर्स. तो आपको पूरा फील आ गया है, जो आप विश्वास नहीं मानोगे 99% लोगों को पता ही नहीं होता कि प्लानिंग में ये होता है. लोग तो प्लानिंग में भी ये बोल देते हैं, क्वेश्चन 11 को प्लानिंग मान लेते हैं. कम से कम तुम्हें फील आ गया है. एंड प्लीज याद आज ही करिएगा, तब क्या आपका 90% चांस रहेगा, रीजनेबल चांस रहेगा याद रहने का. वरना फिर लास्ट में लोग क्या करते हैं पता है? और एक गंदा काम, मैं तो डिटेल में पढ़ा दूंगा, मैं पता है मुझे अच्छे से करवा दूंगा, फिर लास्ट में नर्वस होके एक कोई क्वेश्चन आंसर टाइप का बुक देना ऑडिटिंग का, रिवाइज करके याद कर लेता है. तो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. और इस बुक को मैंने ब्लैक एंड व्हाइट चला के क्यों रखा है, और लॉग बुक तो कलर्ड रखा था, क्योंकि इसमें आपको कलर्ड हाथों से लिखना पड़ेगा. मैं अगर कलर करके दे दूंगा दिखने में सुंदर लगेगा, बट यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन एनीथिंग अनलेस यू हैव डन इन योर ओन हैंड्स. तो देखिए फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स कैसे गैदर होते हैं. आज आपको मैंने पढ़ाते वक्त बोला था ट्रैवलिंग एक्सपेंस की वाउचिंग होती है, याद है क्या? मैंने पढ़ाते वक्त बोला था एसेट एंड लायबिलिटी की वेरिफिकेशन होती है, याद आया? दिस इज वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन. और ये होता कैसे वो भी मैंने समझाया था, सिर्फ वाउचर्स देखकर नहीं, आपका बिजनेस रिलेटेड है क्या, टाइटल डीड्स आपके पास है क्या, लोन अग्रीमेंट की कॉपी देखी जाती है. एंड व्हाट इज कंप्लायंस प्रोसीड्यूर्स, ये भी फर्दर वाली बात है एग्जीक्यूशन में. यहां पर इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में पता लगाया जाता है. सर पता लगा लिए थे ना प्लानिंग में, प्लानिंग में यू स्टडीड द इंटरनल कंट्रोल, यू स्टडीड देयर फ्लो कैसे कैसे हो रहा है, बट प्रॉपर एनालिसिस और चेकिंग, डिटेल चेकिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स पर होता है. सर तो कितना डिटेल चेकिंग करना है? वो डिपेंड करेगा आपके रॉमम लेवल पर. अगर आपकी रॉमम लेवल हाई है तो बहुत डिटेल चेकिंग करनी पड़ेगी, अगर आपकी रॉमम लेवल लो है तो डिटेल चेकिंग कम करनी पड़ेगी. इनवर्स रिलेशन वर्ड सुने मैथ्स और स्टैट्स में? तो कंप्लायंस प्रोसीड्यूर में इंटरनल कंट्रोल ठीक से ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखा जाता है. नाम याद होना चाहिए, दिस इज कंप्लायंस प्रोसीड्यूर. तो एक मिनट याद रखिएगा, हाउ इज ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन एग्जीक्यूशन स्टेज? सब्सटैंटिव, सब्सटैंटिव के अंदर कितने नाम है भूल जाओ तो ऐसे बोलना है. जैसे आज प्रूफ सीखा ना, एक नया वर्ड सिखाता है, वाह बोलो, स्टाइल से बोलो, व को टानो, वाह. एग्जाम हॉल में चीटिंग कर सकते हो, फ्रेंड आपको हिंट्स मांग रहा है, सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर बताना. तुम हिंट्स देना चाह रहा था, पर पता कई बार सबके संग हुआ होगा, बहुत देर बाद बोलते तो आवाज जोर निकल जाता है. तुम धीरे से बोलने जा रहे थे, वाह, पर निकल क्या गया, वाह, और पूरा रूम, और वहां पे आया था खड़क सिंह इनविजिलेटर, ए क्या बोलता है, और तो फ्रेंड इतना ढीठ है तुम पकड़े गए, अब तो चुप रहना चाहिए, बता जल्दी बता. अब तुम भी अच्छे बताना चाह रहे हो और इन्विटर भी आ गया, क्या बोलता है तुम, चीटिंग करता है,
सर आप गलत सोच रहे हैं सर, हम चीटिंग नहीं कर रहे हैं, आप वाउचिंग कर लीजिए मेरा सर, आप मेरा वेरीफाई कर लीजिए सर, आप मेरा एनालिटिकल रिव्यू कर लीजिए सर, हम नहीं चीटिंग किया, आप वाउचिंग कर लीजिए, आप वेरीफाई कर लीजिए, आप किसी को भी सर पूछ लीजिए, कंपेयर कर लीजिए मेरा पेपर उसका पेपर सर, आप कंपेयर कर सकते हैं, मेरा पुराना ट्रेंड पता कर लीजिए, आप इन्वेस्टिगेट कर लीजिए सर, हम नहीं कर रहे सर चीटिंग। तुम बोल भी दिया आंसर, अंडरस्टूड हाउ टू पास ऑन द आंसर टू योर फ्रेंड, यूज इन्विजिलेटर, टॉक टू हिम, टॉक मोर टू हिम। तो अगर कोई पूछे सब्सटैंटिव प्रोसीडियर्स क्या है, बोलो एक संग, वाह बोलना, वाह बोला ही नहीं कभी आज तक लाइफ में, बोलो है, बिल्ली लोग भी आए हैं। तो देखिए इट इज सब्सटैंटिव प्रोसीडियर्स क्या है, वाह, वाह में क्या है, वाउचिंग, वेरी। इंटरव्यू में बहुत चीपनेस लगेगा, खासकर आप ही जब इंटरव्यू लेंगे और मेरे ही जूनियर्स आपको आके, मतलब आपसे जूनियर आके, हुआ है मेरे साथ इतना खराब, मेरे को एसएमएस करता है सर यहाँ पे कर रहा हूँ वहाँ आके, वो भाई इंटरव्यू पढ़ाया हुआ चीज क्लास में ठीक है, अब तुमको आता भी है सब्सटैंटिव प्रोसीडियर वहाँ स्टाइल मारो ना, या इट कंसिस्ट ऑफ, मन में ठीक याद आ रहा है वाह, पर उसके सामने नहीं बोलना है वाउचिंग वेरिफिकेशन एंड एनालिटिकल प्रोसीडियर। पता ये एनालिटिकल टेस्ट क्या होता है, नाम से पता चल गया, एनालिटिकल मतलब क्या, कुछ दिमाग से एनालाइज करना। एग्जाम्पल लास्ट ईयर तुम्हारा सेल्स 4 लाख का था क्लाइंट का, इस साल 40 लाख है, तो तुमको एक बार दिल धड़केगा ना, क्या हुआ रे, ऐसा कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है क्या इस बार कि अचानक सेल बढ़ गया, क्या हुआ, प्राइस बढ़ा दिया है क्या, सेल का क्वांटिटी उतना ही सेल हो रहा है क्या। तो ये सब चीज होता है एनालिटिकल रिव्यू, प्राइस बढ़ा है या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है या मार्केट में बूम आ गया है तो इसका भी हो गया भला हो गया है, तो आप कुछ ट्रेंड देखोगे, कुछ रेशियोज देखोगे, अचानक डेटर्स चेक कर रहे थे तुम देखोगे इतना इन लोग क्रेडिट में सेल क्यों करता है, इनका डेटर्स हमेशा 1-1 करोड़ का रहता है, इतना क्या क्रेडिट सेल है, इस इंडस्ट्री में दूसरे फर्म्स भी हैं, उन लोग तो इतना क्रेडिट में सेल नहीं करते, दिस इज कंपैरिजन विद अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री, एविडेंस गैदर करने के लिए, ताकि तुम क्वेश्चन करोगे क्लाइंट को, ये आपके डेटर्स हमेशा इतने क्यों आ जाते हैं, तो बाद में आप दिखाते हैं भाग गए इन लोग, दिवालिया हो गए, तुम हो सकता है जेन्युइन कारण हो, सर आप तो जानते हैं डीमोनेटाइजेशन के बाद कई पार्टी फेल हुआ है सर, हो सकता है जेन्युइन हो, और ऑडिटर बोलते हैं कोई पार्टी फेल नहीं हुआ है, डीमोनेटाइजेशन फेल हुआ था, पार्टियों का तो सुधार का और बढ़िया ही हो गया बाद में, ठीक ही हो गया। तो जो भी हो क्रॉस एग्जामिन करेगा ऑडिटर और इस तरह एनालिटिकल रिव्यू करेगा चीजों का, एक लाइन और कर देना, कंपैरिजन विद अदर फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री, ये भी एनालिटिकल रिव्यू है, कंपैरिजन विद अदर फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री, कंपैरिजन विद अदर फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री। इज इट फाइन एवरीवन? तो वाउचिंग पता चल गया, वेरिफिकेशन, एनालिटिकल, कंप्लायंस। तो अब आप एक चीज देखो, मैं प्लानिंग एग्जीक्यूशन का काफी अच्छे समिंग अप किया हूं, और ब्रेक के बाद मैं आपको ये फ्लो चार्ट बनाऊंगा, ये फ्लो चार्ट दिख रहा है आपको, ये जबरदस्त फ्लो चार्ट दिख रहा है आपको, ये रंजन का बनाया हुआ फ्लो चार्ट भी उसी का बनाया हुआ था, फ्लो चार्ट हैज बीन मेड बाय हिम, तो कुछ भी रॉन्ग होगा तो उनसे पूछिएगा, वैसे रॉन्ग है नहीं, दिस फ्लो चार्ट, बोथ द फ्लो चार्ट्स, बिकॉज दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल फ्लो चार्ट जो पीडब्ल्यूसी और बड़े बिग फोर्स में यूज होता है, दिस फ्लो चार्ट पेज नंबर पूछेगा सर को, तो ये मैं आपको कराऊंगा ब्रेक के बाद, दिस आई विल बी डूइंग आफ्टर द ब्रेक, ये सीडी एक बार यहाँ पे रोक दीजिए, थैंक यू सो मच।